So you have to stop all kind of exertion. You have to stop exertion. You have to rest until there are no symptoms left. And still, after that tenor, after that period, still you need to take rest for at least 2 weeks to regain your strength, your energy. तो आप अगर कोई पेशेंट है जिनको इन्फेक्शन की वजह से कोई भी सिम्टम्स आ रहे थे, वो सिम्टोमेटिक थे, जब वो रिकवर कर जाएं उसके बाद भी उनको 2 हफ्ते के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता है कि 2 वीक्स के लिए हम पेशेंट को क्वारंटाइन करते हैं. इट मीन्स इट कैन बी रिएक्ट ऑन अ पेशेंट. ठीक है, तो इसलिए जब सिम्टम्स खत्म हो जाएं तो दोबारा उसको 2 हफ्ते के लिए रखते हैं. दैट इज अ क्रिटिकल कंडीशन. चेस्ट फिजियोथेरेपी is strongly recommended along with positioning and ankle movement in CU. Critical unit mein chest physio ek shadeed kisam ki requirement consider ki gayi hai. Because in the medical point of view, there are no medicine. Okay, there is no other way to treat. Fine, the plasma transfusion is the last solution. It's very very expensive and not available. And unfortunately, itne sare patient recover nahi hue hain jitne cases ज्यादा हैं, so we cannot manage the ratio between the confirmed cases and the recovered cases. So हमें किसी ना किसी तरह इसको control करना है बहुत cheap way में, and the cheapest way is rehabilitation. So what is the defined physiotherapy protocol? Let's suppose आप एक patient में एक hospital में काम कर रहे हैं और आपके पास patients आ जाते हैं, then आप सोचेंगे, आप गूगल करेंगे कि आपको कैसे ट्रीट करना है पेशेंट को. नो, यू शुड एटलीस्ट नो, आपको पता होना चाहिए कि बेसिक प्रोटोकॉल्स क्या हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कह रही है, जो रिसेंट रिसर्चेस हैं, जो स्टडीज हैं, वो कैसे बता रही हैं कि हमें किस तरह से पेशेंट को लेकर चलना है, डील करना है, और कैसे हम एक मार्क डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं. सो देर आर सम बेसिक प्रोटोकॉल्स जो कि आजकल फॉलो किए जा रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इसमें मजीद इम्प्रूवमेंट आ रही है डे बाय डे. लेट्स सी, प्री इन्फेक्शन अगर कोई पेशेंट है तो उसके लिए एक स्पेसिफिकली एक टेबल अवेलेबल है जिसको आप फॉलो करेंगे. 1000 to 5000 स्टेप नॉर्मली कहा जाता है कि वो लोग जो आप हैं, जो मैं हूँ, जो प्री इन्फेक्शन है, जिनको चांस है कि इन्फेक्शन हो सकता है, मैक्सिमम चांस है, तो उनको एटलीस्ट 10,000 to 5,000 स्टेप्स डेली वॉक करना चाहिए. अगर आप बाहर वॉक नहीं कर सकते, घर में नहीं कर सकते, तो आप 1 level स्टांस कर सकते हैं. आप एक ही जगह पर खड़े होकर अप डाउन मार्च कर सकते हैं और पूरे 1,000 to 5,000 स्टेप्स कंप्लीट करें फॉर योर बेटरमेंट, फॉर योर हेल्थ. क्यों? नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, व्हाई आई नीड टू वॉक? एज वी नो, जब हम वॉक करते हैं हमारा हार्ट रेट इंक्रीज करता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, ऑक्सीजन हमारी डिमांड होती है, पूरे का पूरा जो डायफ्राम है उसकी मूवमेंट अप एंड डाउन होती है, वो एक्सरसाइज में आता है, उसमें स्ट्रेच होता है, जो हमारी वाटर की इंटेंसिटी है, जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ेगी. व्हाई वी नीड वाटर? ऑफ कोर्स देयर इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. इफ वी आर टेकिंग मच वाटर, वी आर एक्चुअली इन टेकिंग ऑक्सीजन. सो इफ यू आर वर्किंग प्री इन्फेक्शन, यू आर एक्चुअली ट्रेनिंग योर लंग्स टू बी स्ट्रांग. और खुदा ना हास्ता अगर आपको इन्फेक्शन हो भी गया तो आपके जो लंग्स हैं वो इतने स्ट्रेंथ में होंगे और आपका जो ब्रीदिंग सिस्टम है वो इतनी स्ट्रेंथ में होगा कि वो इसको बर्दाश्त कर सके, ना कि आप डायरेक्ट जो है वो क्रिटिकल यूनिट में चले जाएं. सेकंड, स्ट्रेचिंग 20 per day, लाइक एटलीस्ट 20 sets, 20 times, ईच सेट फॉर 20 times. फॉर एग्जाम्पल, आप मैकेंजी एक्सरसाइज कर रहे हैं या कोई भी ऐसा स्ट्रेच कर रहे हैं, उसको एटलीस्ट परफॉर्म 20 times. 20 times इसको स्ट्रेच करें एटलीस्ट अ डे 24 hours में. Breathing exercises, we all know, deep breath exercise है या purse lip exercise है, then balance and cognition exercises and aerobics for 30 minutes per day pre-infection. Aerobics में कोई भी aerobics is not like कि आपको running करनी है, आपको jogging करनी है. आप एक जगह पे खड़े हैं, घर में खड़े हैं, छोटा सा apartment है, छोटा सा कमरा है, it's okay. आप जिस जगह पे खड़े हैं वहीं पे sit stand करें for 30 minutes, you're done. अगर आप लेटे हुए हैं, लेटकर आप cycling करें, aerobics, you're done. Aerobics तो बहुत आसान है. अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, यू लव म्यूजिक, ओके, प्ले द म्यूजिक एंड डांस, दिस इज एरोबिक्स. ओके, माइल्ड और क्वारंटाइन. जैसे ही माइल्ड कंडीशन हो, कोई भी सिकनेस फील हो रही है आपको, सिम्टम्स नहीं आ रहे, सिकनेस फील हो रही है या सिम्टम्स आ भी रहे हैं कुछ एक दो, देन क्वारंटाइन योर सेल्फ, कंप्लीटली क्वारंटाइन योर सेल्फ, नॉट फॉर योर हेल्थ, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द अदर, योर मदर, योर पेरेंट्स, योर सिबलिंग्स एंड एवरीवन अराउंड यू.
मैकेंजी स्ट्रेचेज, अगर कोई पेशेंट है जो क्वारंटाइन है और आपसे कॉन्टेक्ट करता है, हे डॉक्टर आई नीड योर हेल्प, टेल देम, टीच देम कि आपने खुद को कैसे कवर अप करना है. सो टेल देम और टीच देम मैकेंजी एक्सरसाइजेस, मैकेंजी स्ट्रेचेस कि आप किस तरह से ये स्ट्रेच परफॉर्म करेंगे तो आपकी बॉडी की जो हेल्थ है वो बेटर होगा और आप जल्दी रिकवर करेंगे. यू शुड नो, अगर आपको ही नहीं पता होगा तो आप किसी को कैसे गाइड करेंगे. दिस इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ यू, ऑफ योर सिस्टम, व्हाट यू आर स्टडिंग. सो ब्रीदिंग एक्सरसाइज, आप उनको ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिखाएं, आप उनको बताएं कि किसी साफ सुथरे एरिया में रहें, साफ सुथरे एनवायरमेंट में रहें और डीप ब्रीथ करें या पर्स लिप के साथ आप ब्रीदिंग करें. हुक पोजिशन, नो एरोबिक्स. वेल यू आर क्वारंटाइन, when you're quarantined and there are symptoms, then you are not allowed to do aerobics. aapne aerobics nahi karne, theek hai, kyunki usse shortness of breath hogi. already aapko symptoms hai, aapko hoga, uski wajah se aap directly intensive care mein chale jayenge. okay, hook position as shown in the picture, jaise ye bachcha baitha hua hai, is tarah aapne unko guide karna hai ki hook position banani hai. dono knees ko bend karna hai, अपनी कमर को भी बेंड करना है और अपनी नीज को पकड़ने की कोशिश करनी है. व्हाई? नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, व्हाई? इससे कैसे हेल्थ बेटर हो सकता है, इससे कैसे ब्रीदिंग बेटर हो सकती है? द आंसर इज, जैसे ही हम अपनी बॉडी को स्क्वीज करते हैं, अपनी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इन दिस हुक पोजिशन, तो जो डायफ्राम है उसका साइज चेंज होता है, वो इन रिलैक्सिंग पोजिशन होता है, वो किसकी लेंथ में फर्क आता है, जिसकी वजह से जो हमारे लंग्स हैं वो रिलैक्स डाउन हो जाते हैं और हमारे पास रूम मिल जाता है, हवा को, एयर को रूम मिल जाता है. देयर आर टू कंडीशंस. अगर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में ज़्यादा हो जाती है तो डिफ्यूजन नहीं होता ऑक्सीजन का. अगर ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी तो भी डिफ्यूजन नहीं होगा. सो देयर शुड बी अ बैलेंस्ड रेशियो बिटवीन ऑक्सीजन लेवल एंड बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड लेवल विद इन द बॉडी एज वेल. तभी एक ऐसा स्टेट क्रिएट होगा कि ऑक्सीजन ट्रांसफर होगी और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी. Right? Got it? So that's why this hook position is helping out to maintain some room in within the lungs, and then it can be very helpful in breathing, especially when you're quarantined, when there are less or mild symptoms. Then there is balance and cognition. Balance, exercise and cognition बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब अगर खुदा ना हास्ता patient hospitalized हो जाए या critical condition में चला जाए, तो वो ज़्यादातर पेशेंट जब ऑक्सीजन थेरेपी पे चले जाते हैं तो उनमें एक चीज़ ऑब्जर्व की गई है कि वो फेंट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अनकॉन्शियस हो जाते हैं. अगर कोई पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है और उसको हम रिकवरी की तरफ लेकर आएँ वापस, तो उनको बहुत सारा टाइम लग जाता है. बट इफ़ योर ब्रेन इज़ ऑलरेडी ट्रेंड ऑफ बैलेंस एंड कॉग्निशन, देन इट कैन बी वेरी हेल्पफुल, और स्टडीज इसको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं. नेक्स्ट, अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटलाइज हैं और आप हॉस्पिटल में उनको ट्रीट कर रहे हैं, then you have to do chest physio, specifically vibration technique. जो लोग chest physio करते हैं या वो लोग जो इस field में properly work कर रहे हैं, they better now कि there are so many types of chest physio. उसमें एक है vibration. In this case, chest physio में vibration कैसे करते हैं, आपका जो dominant hand है आप उसको उसका एक cup बनाएंगे छोटा सा, और first of all then you will auscultate कि कौन से रीजन पर लंग्स के प्रॉब्लम है. ठीक है, पहले आपने उसका डेट किया, प्रॉब्लम फाइंड आउट किया, प्रॉब्लम क्या है. एक्चुअली आपको थोड़ी सी कैप्टस साउंड फील होगा या थोड़ा सा आपको फील होगा कि यहाँ पर कोई स्पूटम है या कोई रिस्ट्रिक्शन है जिसको आपने रिमूव करना है. देन यू हैव टू मेक अ कप, प्लेस ऑन दैट स्पेसिफिक एरिया एंड डू सम वाइब्रेशन. ठीक है, जैसे फोन का वाइब्रेशन होता है, एंड यू हैव टू नीड टू डू सम वाइब्रेशन. एंड कपिंग इज प्रोहिबिटेड, यू डोंट डू कपिंग इन दिस सिचुएशन. क्योंकि जब आप कपिंग करेंगे तो उससे पेशेंट का जो ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज कर जाता है. एंड देयर आर केसेस कि कुछ डॉक्टर ने उस पर कपिंग किया कोविड 19 के पेशेंट्स पर, एंड द कंडीशन गॉट वर्स. So the studies are saying you are not allowed to do cupping, but you can just apply vibration on the specific area of the lungs after auscultation with a commanding monitor. Okay, that is ankle, knee and back stretches. Oh, why we need ankle, knee and back stretches? Ek ENT ke problem mein ankle ka kya role hai, knee ka kya role hai, and what the back stretch is quick so. ओके, चेस्ट रीजन में हमारे पास दो चीज़ें हैं.
हमारे पास सामने सामने को रिब्स हैं 12 रिब्स जो पीछे की तरफ जा रही हैं और हमारे जो वर्टिब्रे है उसके साथ कनेक्टेड है, राइट। व्हेन यू आर डूइंग सम बैक स्ट्रेचेस, जितने भी हमारे मसल्स हैं इंटरकॉस्टल मसल्स जो हमारे रिब्स के दरमियान मसल्स हैं, दे गॉट रिलैक्स। व्हेन दे गॉट रिलैक्स देन देयर इज अ कनेक्शन विद एब्डोमिन, हमारे जो एब्डोमिनल प्रेशर है बैक स्ट्रेचेस के साथ वो थोड़ा सा रिलीज होने लगता है, जिसकी वजह से जो हमारा डायफ्राम है वो रिलैक्सिंग पोजीशन में आता है और हमारे जो लंग्स हैं उनको एक रूम मिलता है, एंड देन पेशेंट कैन बी इजीली ब्रीथ। दिस इज अ क्वेश्चन एंड देयर इज द आंसर। सेम लाइक इन द केस ऑफ एंकल नी, व्हेन वी आर मूविंग एंकल एक्चुअली वी आर नॉट फोकस्ड टू द एंकल जॉइंट, व्हेन एवर वी आर परफॉर्मिंग एंकल मूवमेंट्स वी आर एक्चुअली कंसर्न विद द गैस्ट्रोक्यूनेमियस मसल। You know, the gastrocnemius muscle is known as the second heart of the body. When there is a less amount of blood is going through from the body to the heart, and then from heart to the lungs, there is a problem within the patient of COVID-19. So you need actually to perform more blood to go back to the heart and to supply oxygen in the lungs. Okay, for that condition, you actually need some gastrocnemius activity. सो इसलिए हम एंकल नी मूवमेंट्स करते हैं ताकि हम उसका ब्लड फ्लो को बेटर कर सकें और जो एक्सचेंज है ऑक्सीजन का उसको हम थोड़ा सा इन्हेंस कर सकें इन एनी मीन्स। देन देयर इज फर्स्ट ब्रीदिंग पोजिशनिंग रिगार्डिंग लोव्स एंड लंग्स। जब आप ऑस्ट्रेटेट करें पेशेंट को, हम इसके बारे में आगे बात करेंगे डिटेल में, लेकिन पहले आप जब पेशेंट को ऑस्ट्रेटेट करें एंड यू गेट टू नो ओके द अपर लोव इज इन्फेक्टेड, ओके द मीडियल लोव एंड द लोअर लोव, जिस एरिया पे आपको कोई भी स्पूटम फील होता है या कोई रिस्ट्रिक्शन फील होती है और वहाँ पर आपको लगता है कि ड्रेनेज होनी चाहिए, आप उसी एरिया पर उसी एरिया के अकॉर्डिंग पोजीशनिंग करेंगे पेशेंट्स की, स्पेसिफिकली इन क्रिटिकल यूनिट एंड इन हॉस्पिटल्स, और फिर उसको ड्रेन करेंगे सक करने के या फिर सक्शन के साथ किसी भी तरह रिलीज करेंगे। देन दे आर फर्स्ट काइंड ऑफ ब्रीदिंग। सो देर आर थ्री मेजर स्टेप्स कि आप फर्स्ट ब्रीदिंग पेशेंट को कैसे सिखाते हैं। रिलैक्स शोल्डर एंड नेक। क्यों हम पेशेंट के शोल्डर्स और नेक को रिलैक्स करते हैं, देयर इज अ क्वेश्चन। वेल द आंसर इज जब आप किसी पोस्चर को रिलैक्स करेंगे, अगर आप सीधे होकर बैठे हैं, यू आर एक्चुअली यूजिंग योर एक्सट्रा मसल्स, योर बैक मसल्स एंड ऑल ऑफ योर शोल्डर एंड नेक मसल्स टू गेट स्ट्रेट। बट व्हेन यू आर लूजिंग डाउन योर मसल्स, ओके यू आर डूइंग कप, यू आर कमिंग इन अ हुक लाइन पोजिशन। ओके, तो आप पेशेंट को रिलैक्स करेंगे उनके शोल्डर्स और नेक को ताकि वो एक हुक पोजीशन में आ जाएं और लंग्स ऑटोमेटिकली रिलैक्स हो जाएं, और फिर आप उनको परफॉर्म करवाएंगे ब्रीदिंग एक्सरसाइज विच इज फर्स्ट लिप एक्सरसाइज, नेजल ब्रीथ फॉर 2 सेकेंड। आप पेशेंट को बताएंगे कि आप अपने नाक से सांस लें 2 सेकेंड के लिए, 1 2, ठीक है, 2 सेकेंड के लिए इनहेल किया और एक्सहेल करना है माउथ से 4 सेकेंड के लिए। सो दिस इज कॉल्ड विद अ पाउट। सो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लिपसिंग, फर्स्ट ब्रीदिंग। तो इस तरह से पेशेंट का जो लंग्स है उनको 2 सेकेंड के लिए एक्सपेंशन मिलेगा और एक फोर्सफुली उनको एक्सर्शन मिलेगा। तो जो हम लोग एक्चुअली प्ले कर रहे हैं, वेन एवर वी आर परफॉर्मिंग एनी काइंड ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइज और चेस्ट फिजियो, वी आर एक्चुअली प्लेइंग विद द लंग्स। सो हम इस तरह प्ले कर रहे हैं कि हम थोड़ी सी ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं और ज़्यादा सी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सो दिस इज what is the system or concept behind first breathing. Then we came to the critical condition. Agar aapki ICU mein duty hai to aapne ghabrana nahi hai bilkul bhi, aapko tension nahi karni chahiye. You should know ki aap kya kar sakte hain. Positioning for drainage. Ek patient jo ICU mein hai wo to vent pe hai, theek hai, uske paas sare ke sare jo medicine hain wo perform ho chuke hain, wo medical walon ka kaam hai, they are doing. What I can do is positioning for drainage. लेट सपोज किसी पेशेंट को अपर लोब में ज़्यादा कोई रिस्ट्रिक्शन है और वो कफ नहीं कर पा रहे, वो ICU में है, वो अनकॉन्शियस हैं या कोई भी कंडीशन है उनकी, तो हम उनकी पोजीशनिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू द एरिया कि हमें किस एरिया पर ड्रेनेज करना है, उस एरिया के अकॉर्डिंग पोजीशन मेंटेन करेंगे एटलीस्ट फॉर 15 मिनट्स। एंड देन अगर तो पेशेंट कॉन्शियस है, वो कफिंग करता है, ठीक है, बेस्ट है, फिर आप उसको एक्सपेल आउट कर लेंगे। इफ नॉट देन यू हैव टू मॉनिटर, यू हैव टू ऑस्कल्टेट 1000 टाइम, 1000 टाइम नोट इट
कि आप जब परफॉर्म कर रहे हैं एक्सरसाइज या कोई भी पोजिशनिंग इन आईसीयू, यू हैव टू ऑस्कल्टेट द पेशेंट 1,000 times ताकि आपको पता चले कि आपकी पोजिशनिंग की वजह से बेटरमेंट है या उसमें खराबी आ रही है, या जो स्पूटम है या कोई भी रिस्ट्रिक्शन है वो किस लेवल पर पहुंची है, क्या आप उसको सक्शन के थ्रू एक्सपेल आउट कर सकते हैं या नहीं। ठीक, नेक्स्ट एंकर स्ट्रेच एंड नी पोजिशनिंग। एंकर स्ट्रेच करते हैं ताकि हम जैसे कि नीवियस पे फोकस करें, नी की पोजिशनिंग करते हैं। नी की पोजिशनिंग ऐसे करते हैं कि हम नी के नीचे कोई भी चीज़, कोई भी पिलो या जो बेड है उसको 30 degrees पर ले आते हैं ताकि जो हुक पोजिशन मेंटेन हो सके वाइल्ड लेइंग। बैक सपोर्ट, बैक सपोर्ट इज जस्ट सेम ताकि आप जो एब्डोमिनल प्रेशर है उसको बेटर कर सकें। वाइब्रेशन टेक्निक, वाइब्रेशन टेक्निक मैंने आपको पहले बता दिया कि हम कैसे परफॉर्म करते हैं, और ऑस्कल्टेशन इज मस्ट। ओके, मोस्ट इंटरेस्टिंग स्लाइड आई नो, वेल द पोजिशनिंग एंड बेसिक गाइडलाइन फॉर लंग सपोर्ट एंड ड्रेनेज रिगार्डिंग लोब्स according to WHO, World Health Organization, there are a few major positions जो कि मैंने कोशिश की है कि बहुत सिंपल बनाऊँ ताकि आप उसको बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड करके उसको परफॉर्म कर सकें। आई विश कि आप कर सकें। सो देर आर समथिंग सम मेजर, लेट्स सी, इफ यू आर लुकिंग एट फ्रॉम द लेफ्ट साइड द टॉप, देर आर लोअर लोब्स एंड लोअर एंड स्पीडर सेगमेंट। इसका बिल्कुल एक लंग्स आप देखें आपके राइट साइड पर आपको नजर आएगा, राइट हियर। ओके, सो आपने ऑस्कल्टेट किया पेशेंट को, एज यू सी द पेशेंट ऑस्कल्टेट करें, एंड इफ यू केम टू नो ओके दिस इज अ रीजन एंड मार्क ऑन द पेशेंट, उसको मार्क कर लें, ठीक है ये लोअर लोब पे आ रहा है और ये सुपीरियर सेगमेंट पे आ रहा है। आपको क्या करना है, सिर्फ ये जो आपके पास ये वाले डायग्राम्स हैं आप इनको याद कर लें, ठीक है। आप पेशेंट को ऑस्कल्टेट करें और अगर आपको उनके साइड वाइज पर, उनके लेटरल साइज पर कहीं पर रिस्ट्रिक्शन या थोड़ी सी क्रैपिटस साउंड आ रही है या आपको लग रहा है कि यहाँ पर स्पूटम है, तो आप उसको माइंड में ये पिक्चर लाएं एंड यू कैन नो ओके इट कैन बी द लोअर लोब और द सुपीरियर सेगमेंट और मे बी इट्स समथिंग एल्स। माइंड में लाएं उसको एंड देन मेंटेन द पोजिशन। ये पेशेंट की पोजीशन आपने क्रिटिकल कंडीशन में करनी है, आईसीयू के पेशेंट्स हैं, एंड यस ये आप वार्ड के पेशेंट्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर आप क्या करेंगे, आप हिप पर 30 degrees मेंटेन करेंगे। हिप पर 30 degrees मेंटेन करने का मतलब है आप पेशेंट को प्रोन पोजीशन में ले जाएंगे और उनके स्टमक के नीचे दो पिलोज रखेंगे और ये हुक पोजीशन आप मेंटेन करेंगे एटलीस्ट फॉर 15 minutes ताकि दो इफेक्ट हों, एक तो ग्रेविटेशनल इफेक्ट हो, सेकेंड इफेक्ट इज कि जब वो ब्रीदिंग कर रहे होंगे तो उनकी पोजीशन ऐसी है जिसकी वजह से सारे का सारा स्पूटम और जितनी भी रिस्ट्रिक्शन है वो सारी की सारी विंड पाइप तक आ जाएंगी, लोअर एंड तक आ जाएंगी। जब आपको फील हो ऑस्कल्टेट करें और फील हो कि ये ठीक है यहाँ तक आ गई है, देन ट्राई टू मेक कफ टू द पेशेंट। आप पेशेंट को कफ करवाने की कोशिश करें और कोशिश करें कि उसको किसी तरह सक करके पेशेंट को रिलीव दें। सेकेंड पोजिशन इज अपर लोब। आफ्टर ऑस्कल्टेशन अगर आपको लगे कि अपर लोब में या एंटीरियर सेगमेंट पर कहीं पर कोई रिस्ट्रिक्शन है, कोई भी फ्लूइड्स हैं या कोई भी स्पूटम है, देन यू हैव टू मेंटेन अ पोजिशन जिसमें एंकल पर एटलीस्ट 75-90 का एंगल हो और जो उनकी नी है नी पे भी लेस देन 70 का एंगल हो और 90 से लेस हो, then there you can maintain a position to drain. Now there is an upper lobe and apical segment. agar aapko auscultate karte hue feel ho ke sabse upper position mein patient ko restriction aa rahi hai aur aapne wahan pe jab auscultate kiya to wheezing sound aaya, crepitus feel hue ya aapko feel hua ke okay there is a problem, then you have to make a position in such a way कि वो थोड़ा सा ड्रेन होके विंड तक आए ताकि वो पेशेंट कफिंग कर सके और उसको एक्सपेल आउट कर सके। ऑल यू नीड इज द सिंपलेस्ट वे, इसको हम कहते हैं चोर तरीका। आपको एक चोर तरीका बताते हैं कि अगर आप पेशेंट को ऑस्कल्टेट करें और आपको समझ नहीं आए कि क्या प्रॉब्लम है, तो आप ये 3-4 फिगर्स याद रख लें, दीज सिंपल फिगर्स आप इन सिंपल फिगर्स को याद रखें, फिर आपको आइडिया हो जाएगा अच्छा ये वाला लोब है, और आपको नोट्स लिखते वक्त आप कॉन्फिडेंट होंगे, आपको पता होगा कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। सेम लाइक इन द अपर लोब्स, अगर अपर लोब और पोस्टीरियर सेगमेंट पे किसी पेशेंट को ऑस्कल्टेशन के बाद आपको फील होता है कि इस स्पेसिफिक रीजन पर कोई रिस्ट्रिक्शन है, देन यू हैव टू मेंटेन अ हुक लाइक पोजीशन, और ये वाली हुक लाइक पोजीशन और ये सब पोजीशन एक्चुअली यू कैन मेंटेन दैट इन आईसीयू एंड इन वार्ड्स। ओके,
अगर पेशेंट आपके पास आईसीयू में है तो आप उनको साइड लाइन में बिठा कर पोजिशन मेंटेन नहीं कर सकते, आप उनको जमीन पे बिठा के हुक लाइन पोजिशन मेंटेन नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई यू नीड टू मेंटेन द हुक लाइन पोजिशन इन दिस वे कि आप पोजिशन का बेड इतना ऊपर करें या उसको बैक सपोर्ट करें किसी चीज़ के साथ, और उनका जो जो लोअर एब्डोमिनल एरिया है वहाँ पे कुछ पिलोज रखें ताकि आप एक हुक लाइन पोजिशन में पेशेंट को आगे झुका कर बिठा सकें। आफ्टर मेंटेनिंग द पोजिशन, आपने इनमें से कोई भी पोजीशन मेंटेन की पेशेंट की फॉर 15 मिनट्स, देन द सेकेंड स्टेप इज चेस्ट फिजियो। और चेस्ट फिजियो में हमने आपको बताया कि सिर्फ और सिर्फ आप वाइब्रेशन कर सकते हैं, कपिंग इज नॉट अलाउड एंड द अदर एनी काइंड ऑफ थिंग्स रिलेटेड टू चेस्ट फिजियो आर नॉट अलाउड, दे आर स्ट्रॉन्गली प्रोहिबिटेड बाय WHO। ओके ओके, इफ द पेशेंट इज सेल्फ क्वारंटाइन, अगर आपको पता चले कि कोई पेशेंट सेल्फ क्वारंटाइन है और वो आपकी हेल्प चाह रहा है और वो चाह रहा है कि आप उसको हेल्प आउट करें, देन देर आर सम बेसिक रूल्स। ओके, आप उनको बता सकते हैं कि आपने 1000 times डेली चलना है, 1000 steps डेली, ब्रीदिंग इन्हेंसमेंट एक्सरसाइज, जैसे हमें पता है पर्स लिपसिंग हमने पहले एक्सप्लेन किया, 2 seconds के लिए नेजल इनहेल, देन 4 seconds के लिए माउथ से एक्सहेल। ओके, देन मैकेंजी स्ट्रेच 20 repetitions 2 sets, मॉर्निंग में भी आपने 20 एक्सरसाइज करने स्ट्रेचेस और फिर इवनिंग में भी। ये वो पेशेंट है जो सेल्फ क्वारंटाइन है या वो पेशेंट जिनको हमने 12 डेज के लिए उनके घर में ही क्वारंटाइन किया है। देन देर आर हुक सिटिंग पोजिशन, आप पेशेंट को बताते हैं कि आपने हुक सिटिंग पोजिशन में बैठना है 15 मिनट्स इन 2 sets, लाइक आपने 30 मिनट के लिए हुक लाइन पोजिशन मेंटेन करनी है 15 times इन द मॉर्निंग एंड 15 times इन द इवनिंग। सेम लाइक सपोर्टेड लाइंग, आपको पेशेंट को लिटाना है, आपने उनको बताना है कि आप जब सोएं तो आपके पास काफ़ी सारे पिलोज होने चाहिए, आपको सपोर्टेड वे में सोना है, एक पिलो आप अपनी नी के नीचे रखेंगे ताकि आपके जो नीज हैं, दीज आर योर नीज, अगर आपने पिलो यहाँ रखा तो नी बेंड हो गया, राइट, यहाँ पे पिलो रखा नी बेंड हो गया, और आपने फिर हिप पर, लेट्स सपोज दिस इज द हिप, आपने हिप पर भी थोड़ी सी फ्लेक्शन लानी है, तो आपने पेशेंट को बताना है कि वो थोड़ा सा सर को ऊपर करके सोए। ओके, पेशेंट का सर थोड़ा सा ऊपर होगा ताकि उनके हिप पर हम थोड़ा सा मेंटेन कर सकें एंगल, और उनके नी के नीचे भी एक पिलो रखेंगे ताकि उनकी पोजीशन जो एंकल की है वो भी हम मेंटेन कर सकें। ये वो पेशेंट्स हैं जो घर में होते हैं, उसको घर में क्वारंटाइन किया है, उनके लिए ये वाला एक गाइडलाइन है। सपोर्टेड लाइन एंड काफ मसल स्ट्रेचिंग, काफ मसल स्ट्रेच हम क्यों करते हैं, बिकॉज दिस इज द सेकेंड हार्ट ऑफ द बॉडी, हमने पहले भी एक्सप्लेन कर लिया है। नेक्स्ट, ठीक, इफ द पेशेंट इज इन द हॉस्पिटल और वो वार्ड में है तो आप चेस्ट क्लियरेंस करेंगे, वाइब्रेशन करेंगे उनकी थोड़ी सी, देन बॉडी एक्स की रिकवरी के लिए, बॉडी एक्स की रिकवरी का सबसे बेस्ट तरीका जो अभी तक मेडिसिन, एज वी नो हम पैनडोल के अलावा पेशेंट को पैरास्टामोल के अलावा और कोई मेडिसिन नहीं दे पा रहे, हम मॉर्फिन दे रहे हैं और इस तरह की ड्रग्स, हैवी काइंड ऑफ ड्रग्स और स्टीरॉइड्स दे रहे हैं, इस कंडीशन में पेशेंट और लेथार्जिक हो जाता है और उनको बॉडी एक्स बढ़ जाते हैं, अभी तक की ये रिपोर्ट्स हैं। सो हम उसको कवर अप करने के लिए अगर आपको कॉल आती है या यू आर जस्ट, यकीन करें ये वो पेंडेमिक है जिसमें सबसे ज़्यादा जो स्पॉटलाइट में लोग हैं वो रिहैबिलिटेशन के हैं, और हम लोग इस वक्त सबसे मेजर रोल प्ले कर सकते हैं। आई डोंट नो व्हाई पीपल एंड प्रोफेशनल हेल्थ प्रोफेशनल इन पाकिस्तान आर व्हाई सो लो इन कॉन्फिडेंस, व्हाई दे कैंट अंडरस्टैंड, दे आर सो इम्पॉर्टेंट। सो बॉडी एक्स के साथ कोई पेशेंट आपके पास है, यू शुड डू स्ट्रेचेज एंड सम ब्रीदिंग एजुकेशन। जब स्ट्रेचेज करेंगे आप सब अच्छे तरीके से, मेरे से बेहतर आप शायद जानते हैं कि स्ट्रेचेज से क्या इफेक्ट होते हैं और कैसे पेशेंट रिकवर कर जाता है। अगर पेशेंट आइसोलेशन में है, आइसोलेशन वार्ड में चला गया है, जनरल वार्ड से आइसोलेशन में इनको कर दिया क्योंकि उनकी कंडीशन थोड़ी सी ख़राब हो गई है, माइल्ड से मॉडरेट हो गई है, देन सपोर्टेड पोजिशन हम उनको प्रिस्क्राइब करेंगे, उनको सिखाएंगे और उनको बताएंगे कि आपने 15 मिनट्स मॉर्निंग में इस पोजीशन में रहना है, 15 मिनट्स इवनिंग में, खाना खाने के आधे घंटे पहले आपने कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी, और खाना खाने के आधे घंटे बाद भी आपने कोई भी परफॉर्मेंस नहीं करनी, एटलीस्ट खाना खाने के आधे घंटे बाद आपने कोई भी पोजीशन मेंटेन करनी है या कोई भी एक्सरसाइज करनी है। नी एंड एंकल स्ट्रेचेज भी एटलीस्ट जो पेशेंट को करने हैं 20 times इन द मॉर्निंग एंड 20 times इन द इवनिंग वाइल स्टेइंग इन आइसोलेशन, ठीक है, तब तक पेशेंट होशो हवास में होता है, सो यू हैव टू टीच देम। देन देर आर पर्स ब्रीदिंग, व्हेन यू आर टेलिंग देम हाउ टू डू पर्स, इट कैन बी वेरी हेल्पफुल, अलॉन्ग विद मास्क, नॉट विदाउट मास्क।
okay, ऐसा ना हो कि आप पेशेंट को सिखाएं और वो इस चक्कर में मास्क उतार के उसको परफॉर्म करें. नाउ इट्स नॉट रिकमेंडेड एट ऑल. क्रिटिकल इलनेस यूनिट, आईसीयू के पेशेंट्स, अगेन पैसिव स्ट्रेचेस. देखिए जब भी हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं आईसीयू में, हमारे पास दो चीज़ें हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए. एक तो ये कि आपको आईसीयू में पड़ी हुई हर टेक्निकल चीज़ का पता हो, ओके ये कौन सा मशीन है, ये कैसे परफॉर्म करता है, इसकी रीडिंग कैसी होती है. अगर मैं एक चीज़ परफॉर्म कर रहा हूँ और अगर इसकी रीडिंग इंक्रीज हो जाती है तो इसका क्या मतलब है, रीडिंग कम हो जाती है तो क्या मतलब है. सो दीज आर द बेसिक रूल्स. एंड द सेकंड थिंग इज, अगर आप किसी पेशेंट को एंकल मूवमेंट करवा रहे हैं, एंकल मूवमेंट इज नॉट लाइक आपने एंकल को पकड़ा एंड यू मूव. नाउ यू आर एक्चुअली वेस्टिंग योर टाइम एंड यू आर वेस्टिंग द एनर्जी ऑफ द पेशेंट एज वेल. All you need is to stretch the ankle in such a way कि जो उसके calf muscles हैं वो proper stretch हों और वो वाकई में एक normal healthy person की तरह act करें, ताकि वो blood को वापस जब through करें towards the heart तो वो एक productive way में हो. okay? And the passive positioning, आपने patient को खुद position maintain करवाना है और at least 15 minutes के लिए उसको maintain करके आपने कॉन्टिन्यूस उसको ऑस्कल्टेट करना है और उनका जो मॉनिटर है उसको कॉन्टिन्यूसली ऑब्जर्व करना है, स्पेसिफिकली ऑक्सीजन उसकी चेक करनी है बार बार, एटलीस्ट 1000 times. देन देर आर मॉनिटर्ड चेस्ट क्लियरेंस टेक्निक. आपने पेशेंट को ऑस्कल्टेट किया, एरिया फाइंड आउट किया कि इस एरिया पर आपको वाइब्रेशन देना है, एंड देन यू आर परफॉर्मिंग वाइब्रेशन ऑन द स्पेसिफिक लोब और द रीजन ऑफ द लंग्स. But after every 30 seconds, you need to stop and monitor again. Oxygen कितना है, respiratory कितना चल रहा है, उनका heart rate कहाँ पर पहुँच गया है, blood pressure का क्या scene है, इस पर conscious level कितना है, उसका oxygen consumption कितनी है, carbon dioxide कितना है. You have to check everything. Auscultate again after 30 seconds, done. Stable air patient, okay, perform again. This is the way to treat a patient in ICU. Okay, then there is recovery. Actually, according to the criteria, according to the researches, the new what I have seen, there are 50% patients are being recovered by using this protocol. Okay, without even using any kind of medication. Okay, so this is your importance. This is what who you are. You have to be very confident and very proud. This, yeah, I'm a rehab specialist. I'm a health specialist. Look at me. It's my game. So you have to be very confident on that. Recovery phase में जब patient आ जाए, अगर वो ward से बाहर निकला है, isolation से या critical condition से बाहर निकला है और उनको अब COVID-19 नहीं है और वो recovery में जा रहे हैं, then आप उनको low intensity endurance exercise करवाते हैं. Endurance exercise होता है जिसमें आपकी exertion कम होती है, आप heavy weighting, heavy aerobics नहीं करते, ठीक है, ताकि आप जो उनका रेस्पिरेटरी रेट है और हार्ट रेट है उसको मेंटेन कर सकें. 500 to 1000 स्टेप्स पर डे आप पेशेंट को रिकमेंड करें, एटलीस्ट फॉर 2 weeks. फिर फुल बॉडी स्ट्रेचेज, जैसे जिस लाइक कैट स्ट्रेच करवाते हैं आप उनको, या फिर आप मैकेंजी स्ट्रेचेज करवाते हैं. दैन डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, पहले हम पर्स लिप एक्सरसाइज करवा रहे थे जब पेशेंट बीमार था, अब पेशेंट रिकवर हो रहा है तो अब हम उनको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाएंगे कि आपने मैक्सिमम जितना ऑक्सीजन अंदर ले जा सकते हैं, एयर ले जा सकते हैं लेके जाएं, जितनी देर होल्ड कर सकते हैं रखें, और मैक्सिमम रेजुअल वॉल्यूम जितना आप बाहर निकाल सकते हैं ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड, जितना एयर बाहर निकाल सकते हैं उसको निकालने की कोशिश करें, ठीक है, बट अकेले में, बिकॉज द पेशेंट इज इन रिकवरी फेज. ऐसा ना हो कि उनके जो जम्स हैं वो किसी और पर ट्रांसफर होते हों. ओके, एंड देयर आर एंड्यूरेंस एक्सरसाइजेस. टीम वर्क, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में टीम वर्क का बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा गैप है, और उसकी सिर्फ एक रीज़न है और वो बहुत शर्मिंदा करने वाली है, एंड दैट इज़ पुअर नॉलेज, ट्रस्ट मी. और दूसरी चीज़ इसकी है टाइम मैनेजमेंट. व्हेन यू आर डूइंग दैट, सेइंग दैट आई विल डू इट टुमारो, एंड ओके यू हैव टू डू इट टुमारो. अगर आपको एक काम दिया जाता है, एक असाइनमेंट, कोई भी काम, कोई भी पेशेंट, कि अगर आपको उसको 2 दिन में करना है, और अगर आप सीनियर हैं तो आप उसको 2 दिन में नहीं, आपको उसको उसी दिन में करना है. दिस इज़ प्रोफेशनलिज्म. डजेंट मैटर कि कोई लेट आ रहा है, कोई जल्दी आ रहा है, यू आर प्रोफेशनल, यू हैव टू डू इट, यू हैव टू बी ऑन टाइम. और अगर आपके पास इनफ नॉलेज है, ट्रस्ट मी,
जो हॉस्पिटल के जो एमडी तक होंगे वो आपको आकर आपसे पूछेंगे, बिकॉज यू आर कॉन्फिडेंट इन योर नॉलेज. ओके, तो ये बहुत बड़ा गैप है हमारे पास, और हम लोग कॉन्फिडेंट नहीं होते क्योंकि हमारे पास नॉलेज कम है. हमें लगता है कि हम रिहैबिलिटेशन या फिजिकल थेरेपी एक इतना सा फील्ड है, इससे हम बाहर नहीं जा सकते, इसमें हम यही नहीं कर सकते. नो 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 नो, ओपन योर माइंड एंड लुक एट द वर्ल्ड. आई एम वर्किंग इन न्यूरल नेटवर्किंग राइट नाउ. I am working in AI, artificial intelligence, and I'm just a physiotherapist. Why? How can I do that? I'm just like you, and there are so many people. They are working in NASA, you know, in spaceships, and they are all physiotherapists and they are rehab specialists. How they can do that? Because they know their value. You have to know your value. Why you are staying at home? Why you're not working in the ICU? Why you're not out? Why you are not in the team of rehab COVID-19? Why? Because you don't know who you are. You have to learn that teamwork. Multidisciplinary approach. If you are working in a hospital, in a setup, then you have to talk to everyone. Every doctor and every nurse who is visiting your patient, you have to meet them. You have to discuss the sick. This is the case. Without doing, okay, koi kya kahega, doesn't matter. It's your problem. It's your patient. And you are concerned to their health. So try to maintain a condition, a multidisciplinary approach towards the patient, okay? Respect and collaboration between departments to ensure best quality and quick recovery for the patient forum from every single aspect. Aapko patient ke, जो आपका पेशेंट है आपको उसकी मेंटल हेल्थ का पता होना चाहिए. आपको उसके कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं, उसका इफेक्ट साइड इफेक्ट क्या होगा, यू शुड नो दैट. यू शुड नो कि अभी पेशेंट का न्यूट्रिशनल स्टेट क्या चल रहा है, हाउ यू कैन हेल्प इन दैट. देन देयर आर प्रोफेशनल एक्सपर्टीज. इफ यू आर नॉट एन एक्सपर्ट, लेट्स सपोज यू आर जस्ट अ स्टूडेंट, सपोज यू आर जस्ट अ स्टूडेंट, बट इफ यू आर ऑन टाइम, इफ यू आर very very responsible for your commitments that you are done, trust me, you are an expert. If you are asked that, okay, you have to perform these exercises or these work in a given time, and you must have to complete that time, that assignment or the given time, it means you are an expert. Okay, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको अपने डोमेन में रहकर काम करना चाहिए. आपको पता होना चाहिए कि आपकी क्या इम्पोर्टेंस है, आप क्या क्या मेजर डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं. बी इन योर डोमेन, बी कमांडिंग इन दैट एंड बी कॉन्फिडेंट. ट्रस्ट मी, यू कैन डू इट. नेक्स्ट, टेक्निकल सपोर्ट एंड एक्सीलेंस. आप जिस जगह पर, जिस वार्ड में, जिस ICU में, जिस हॉस्पिटल में, किसी सेटअप में, किसी क्लिनिक में, कहीं पर भी आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे एक लाइट को कैसे ऑन करना है से लेकर एक टिपिकल और एक निहायत डिफिकल्ट काइंड ऑफ जो मशीनरी वहाँ पड़ी है, जो टेक्निकल चीज़ें वहाँ पड़ी हैं, आपको पता होना चाहिए इसको परफॉर्म कैसे करते हैं, इसका फ़ायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है. अगर आपको ये इसमें गैप है, ट्रस्ट मी, यू कैन बी अ वेरी गुड रिहैब स्पेशलिस्ट, यू कैन बी अ वेरी गुड हेल्थ वर्कर. नो यू कैन. ओके, नाउ देयर इज एजुकेशन. आपको एजुकेट करना पड़ेगा पेशेंट को. तो सबसे पहले आपने पेशेंट को बताना है कि देखिए, आपको अगर COVID-19 हुआ है तो यू आर नॉट डाइंग, ट्रस्ट मी, यू विल सर्वाइव. बट द पॉइंट इज, यू हैव टू फॉलो माय इंस्ट्रक्शंस. एंड पॉइंट टू, यू हैव टू टॉक टू द देयर फैमिली, टू देयर अटेंडीज. आप उनके साथ, जो पेशेंट के साथ जो भी लोग आ रहे हैं, आप उनको एजुकेट करें, आप उनको बताएं अभी इस पेशेंट की कंडीशन ये है, ये है, ये है. अगर आप ऐसे करेंगे तो ठीक हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो वर्स्ट हो सकता है. हमारे पास ये वाली मेडिसिन अवेलेबल हैं, क्योंकि आजकल एवरीवन नोस हाउ टू डू अ रिसर्च, एवरीवन नाउ हाउ टू टाइप ऑन गूगल. सो यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट ऑन योर नॉलेज, एंड यू हैव टू शेयर दैट नॉलेज विद द पेशेंट इन अ वेरी वेरी कॉमन लेमन लैंग्वेज, ठीक है, ताकि आप उनको अच्छी तरह से ट्रीट कर सकें. अदरवाइज एक जो मिसबिहेव अटेंडीज की तरफ से आता है, उसके जिम्मेदार अटेंडीज नहीं होते, उसके जिम्मेदार हम खुद होते हैं, बिकॉज हमने उनको एक्सप्लेन ही नहीं किया. ओके, सो एज पर बीइंग मुस्लिम, वी ऑल नो द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, अ मुस्लिम शैल नेवर लीव अनदर मुस्लिम हेल्पलेस इन द टाइम ऑफ नीड.
अगर आपने ये सफेद कोट पहन रखा है, ट्रस्ट मी, ये आपको सिर्फ अल्लाह ताला ने इसीलिए दिया है क्योंकि आप इसकी एबिलिटी रखते हैं, क्योंकि आप इसके काबिल हैं. सो यू हैव टू नो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपके प्रोटोकॉल्स और लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक आप क्या क्या कर सकते हैं. अगर आप सिर्फ एक एंकल पंप कर से पंपिंग करने से, अगर आप सिर्फ एक स्ट्रेच करने से किसी पेशेंट की लाइफ को बेटर कर सकते हैं, देन डू इट एंड ट्रस्ट मी यू रियली कैन. You really can. The studies are showing that about 50% of patients are getting recovered just because they are doing rehabilitation. Isn't that so amazing? So you have to just focus on that and just look at yourself. You are a really very important part of this society, and you are on the top of the list right now in this pandemic. So be confident and learn more about your team of work and your field of work, and just be confident on that and rock on and work on that. Yes, you can make a marked difference. The only thing I can say is the multidisciplinary approach can win. Learn more, be confident, and yes, ask. Agar koi question hai, aap puchhein. Ek dafa puchhein, baar baar puchhein. Lekin you have to be expert then. Jab aap uska answer paale, then you have to repeat that work or that thing over and over again until you are on the top. So be on time, be very very concerned, and yes, try to perform your role. You are very important. There is no medicine. When there is no medicine, it means there is rehabilitation. कॉमन सेंस की बात है. अगर यहाँ पे मेडिसिन नहीं है, इसका मतलब पेशेंट रिहैबिलिटेट किए जा रहे हैं और उसी तरह ठीक हो रहे हैं. प्ले योर रोल एंड कीप मी इन योर प्रेयर्स. थैंक यू सो मच. आई एम डन विद माय टॉपिक. इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन एंड यू कैन आस्क मी राइट हियर. यू हैव एनी क्वेश्चन, आई एम अवेलेबल फॉर 2 मिनट्स. Assalamualaikum. I have a question. Yes, please. हम लोग हुक पोजीशन की जैसे बात कर रहे थे, लोअर लोब की जो सुपीरियर साइड की हम बात कर रहे थे, उसमें हुक पोजीशन जो थी उसको हम लोग प्रोन पोजीशन में इंसान को ले डाउन, पेशेंट को ले डाउन करके कर रहे थे. लेकिन अगर हम हुक प्रोन पोजीशन में करते हैं तो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जब रेज करता है तो उसकी वजह से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा? उसकी वजह से ज्यादा प्रॉब्लम कैसे आ सकता है बेटे? मतलब कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम जो उसके साथ होगा ना, क्योंकि जब प्रेशर जब इंक्रीज करेगा तो लंग्स पे प्रेशर आएगा उसके साथ. बिल्कुल. लेकिन हमने तो एंगल मेंटेन किया है ना. जब हम एंगल मेंटेन करते हैं, आप रीजन देखें, आप लोब्स का रीजन देखें, लोब्स साइड पर हैं. वी आर नॉट मेकिंग एनी प्रेशर ऑन दोज लोब्स. हमारा ये पोजिशन मेंटेन करने का मकसद ये है कि हम जब ऑस्पिटेट किया तो हमें पता चला, अच्छा इन दो रीजन्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन है जिसको हमने निकालना है, थोड़ा सा फ्लूइड है जिसको निकालना है. इसलिए हम ये पोजिशन मेंटेन कर रहे हैं ताकि ये फ्लूइड यहाँ से मूव करता हुआ एटलीस्ट उस लोब तक आए, एटलीस्ट उस विंड तक आए, विंड पाइप तक, जहाँ से हम उसे एक्सपेल कर सकें. और अगर पेशेंट मास्क लगाया हुआ हो और पेशेंट ने अगर ICU में है और ऑक्सीजन पे हो, तो भी यू कैन मेंटेन दिस पोजीशन. इवन इन दैट कंडीशन यू कैन मेंटेन दिस एंड इट कैन बी वेरी हेल्पफुल. आपने अक्सर पिक्चर्स देखी होंगी स्पेसिफिकली इन चाइना एंड इन ब्राज़ील, एंड ब्राज़ील या इन ब्राज़ील जितने भी पेशेंट्स COVID-19 के, जब उनके वार्ड्स का आप एक व्यू देखते हैं, सारे पेशेंट्स प्रोन पोजीशन में लेटे हुए हैं. हैव यू सीन दैट पिक्चर? वो जो एक्चुअली उनके लोअर लोब्स में या उनके ऊपर जो रीजन हैं, इनमें कोई इशू आता है जिसकी वजह से उनको इस पोजीशन में लिटाया जाता है, एंड इट्स नॉट डेंजरस. जब आपने कभी देखा होगा, आप जब बिल्कुल उल्टा लेटते हैं, सांस लेने में मसला होता है, 2 मिनट बाद आपकी सीधे हो जाते हैं. बट इफ़ यू आर मेंटेनिंग अ पोजीशन कि आपके पास कोई पिलो है जिससे आपके जो हिप है, हिप के रीजन में, या उल्टे लेटे हुए आप हिप के रीजन में थोड़ा सा पिलो है एक या दो, देन यू कैन मेंटेन दैट पोजीशन एटलीस्ट मोर देन एन आवर, क्योंकि आपका एब्डोमिनल प्रेशर उस तरह से रेज नहीं कर रहा होता, वो डिवाइड हो जाता है आपके हिप के साथ. I wish it's clear. Assalamualaikum. Yes. मैं मेरा एक क्वेश्चन था. स्पेस मैम, जो आपने वो ब्रीथिंग वाला बताया था कि कोरोना जो पेशेंट जो रिकवर हो जाते हैं तो उनको हम
ब्रीथिंग वाली जो एक्सरसाइज करवाते हैं, यस जो कार्डियक पेशेंट्स को जो एक मशीन दी जाती है 3 पॉज वाली, तो या वही या वही वही प्रैक्टिस हम करवा सकते हैं क्वारंटाइन जो को आ जाते हैं यस पेशेंट को। यस 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 यू कैन। ओके मैम, बस एक क्वेश्चन। ओह यू आर वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटे। आई हैव अ क्वेश्चन कि एक यस सर। कैरियर पेशेंट और अदर पेशेंट में कोई डिफरेंस होता है? मतलब एक सुवियर कंडीशन में आ जाता है और उससे ज्यादा स्प्रेड होता है और अदर से नहीं होता, तो इनमें डिफरेंस क्या है? जो अभी तक के लेटेस्ट रिसर्च हैं, कैरियर्स उनको कहा जाता है जिनकी इम्यूनिटी कम है। अगर इम्यूनिटी कम होगी तो जो एंटीजिन है, जो वायरस है, वो ऑटोमेटिकली एक स्ट्रेंथन पोजिशन में आ जाएगा, मैं बहुत कोई चीज़ हूँ, इसलिए वो स्प्रेड आउट हो जाता है। लेकिन अगर आप स्ट्रांग हैं, अगर किसी की इम्यूनिटी बेटर है, तो उसके अंदर एंटीजिन जाने के बाद खुद इतना वीक हो जाता है कि वो डिवाइड ही नहीं हो पा रहा होता इनफ क्वांटिटी में कि वो मुंह से बाहर निकले और बाहर जाकर वो बहुत कोई शेर बना हो, ऐसा नहीं होता। वो बेचारा खुद इतना मरा हुआ सा होता है कि वो किसी को लग भी जाए, किसी को ट्रांसफ़र भी हो जाए, तो वो इतनी उसकी कैपेसिटी नहीं होती कि वो एटलीस्ट सिम्टम्स अपियर करवा सके, वो सिम्टोमेटिक हो सके। सो ये एक मेजर डिफरेंस है अभी तक के रिसर्च में। और वो वाले पेशेंट जो रिकवर कर जाते हैं, ऐसा नहीं है कि उनके अंदर जितने भी वायरसेस और बैक्टीरियाज और जो भी इन्फेक्शन था वो रिकवर हो गया है, नो, इट मींस कि उनके जो एंटीबॉडीज हैं वो एटलीस्ट उनका साइज कम अज हो गया है एंटीजिन से। तो इतना छोटा सा एंटीजिन है मेरे बॉडी के अंदर गया है और मेरे एंटीबॉडीज ऑलरेडी उससे साइज में और कैपेसिटी में बड़े हैं, तो वो कभी भी एक मुझे इफेक्ट नहीं कर सकता। सो इसलिए हम प्लाज्मा ट्रांसफ्यूज़ कर रहे हैं, यू नो, इसलिए प्लाज्मा ट्रांसफ्यूज़ किया जा रहा है कि उसमें एक काइंड ऑफ बिहेवियर है, जिसका क्या उसे कहते हैं, वैक्सीनेशन का, उसमें एक मरा हुआ सा नीम मुर्दा सा वायरस है। सो दैट्स द मेजर डिफरेंस। जी, ओके। और जो रिकवर्ड पेशेंट होते हैं उनमें दोबारा चांसेस कितने होते हैं दोबारा कोविड के, रिकवर्ड पेशेंट में एज कंपेयर टू नॉर्मल पर्सन? जो अभी तक जितने मैंने केसेस देखे हैं उनमें 3 पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको दोबारा से क्वारंटाइन किया गया, दोबारा से वो इवन आईसीयू के लेवल तक चले गए, बट दे गॉट रिकवर्ड। तो इट मींस कि अगर मैंने 100 पेशेंट किए हैं पिछले 2 महीने में, तो 3% चांस है। और वो सारे पेशेंट वो थे जो पहले से ही बहुत ज़्यादा इल थे। स्पेसिफिकली वो पेशेंट थे जो सीओपीडी के साथ थे, 2 पेशेंट सीओपीडी के थे और एक एस्थमा के पेशेंट थे जिनको दोबारा से रिकरेंट हुआ। अदरवाइज ऐसा कोई मरीज नहीं था जो रिकवर हुआ हो, अल्हम्दुलिल्लाह वो वापस हॉस्पिटल आया हो। तो अगर अंडरलाइन कॉज नहीं है तो इट कैन बी अगेन, कैन हैपन अगेन। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम बेटे। मैम, आई वांट टू आस्क समथिंग। यस प्लीज। मैम, हाउ कैन वी क्योर डिप्रेशन? जैसे कि अगर COVID-19 का कोई पेशेंट है, उसको डिप्रेशन हो जाता है। हमारे अपने रिलेटिव्स में COVID-19 का पेशेंट था और जब वो रिकवर हो गए उसके बाद भी उन्हें लगता था कि उनको ब्रीथ नहीं हो रहा, उनको प्रॉब्लम आ रही है किसी ना किसी चीज़ में, उनको बार बार ना किसी किस्म की उनको प्रॉब्लम आती थी। तो इस चीज़ से हम कैसे टैकल करें? वेरी गुड क्वेश्चन बेटा। वी आर हैविंग अ सेशन विद साइकोलॉजिस्ट देयर एंड इंशाल्लाह वो आपको इसमें मेरे से बहुत बेहतरीन आंसर कर सकते हैं। बट जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, एक पुअर सा एक्सपीरियंस, आई कैन टेल यू कि अगर कोई पेशेंट जब भी हमारे पास आ जाता था, हम उसको ऐसे ट्रीट कर रहे थे कि इट्स जस्ट अ लिटल काइंड ऑफ यू नो कॉमन थिंग, कुछ भी नहीं होता है। सो हम उनको इस तरह, वेन एवर वी आर ट्रीटिंग दैम, वी आर टेलिंग दैम, एक्चुअली आई एम एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी थिंग टू द पेशेंट कि देखें अभी आपका एक्सरे ये कह रहा है, अगर ये आपका खराब एक्सरे ऐसा होगा, उससे बुरा एक्सरे ऐसा होगा, आप इस कंडीशन में खड़े हैं, यू शुड बी लाइक दिस, ज़बरदस्त, आप बहुत फिट जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हम किसी को ऐसे बता नहीं रहे होते, हम पेशेंट्स को बस डील करके फारिग कर देते हैं। यू हैव टेल द पेशेंट क्लियरली, देखें आप 50% जिंदा हैं, देखें आपकी 70% कंडीशन ख़राब है। इफ़ यू आर नॉट टेलिंग देम द ट्रूथ, यस यू आर मेकिंग देम डिप्रेस, यू आर द रीज़न। सो अगर कोई पेशेंट आपकी फैमिली में भी है तो आप एटलीस्ट एक वर्स्ट कंडीशन का पेशेंट उनको दिखाएं, फिर उनकी कंडीशन को कंपेयर करके बताएं, सी दिस इज द वर्स्ट कंडीशन एंड दिस इज द बेस्ट कंडीशन, यू नो यू आर इन द बेस्ट कंडीशन, यू हैव यू शुड बी वेरी वेरी थैंकफुल टू गॉड यू आर इन द बेस्ट कंडीशन। सो टीच देम 100%, आधी इन्फॉर्मेशन ना बताएं, पूरी इन्फॉर्मेशन बताएं। और अगर कोई पेशेंट रिकवर हो गया है या आपके पास है, तो एटलीस्ट उसको वर्स्ट कंडीशन दिखाकर उनको बताएं कि यार ये देखें, ये अच्छा होता है, ये बुरा होता है, अभी आप बुरे तक नहीं पहुंचे हैं।
और आप बुरे तक नहीं पहुंच सकते बिकॉज यू आर सो स्ट्रांग. सो दिस इज अ वे दैट आई एम यूजिंग, सो इट्स वी आर क्वाइट प्रोडक्टिव. बट इन 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 अ फ्यू मिनट्स देयर इज वी हैव समवन जो आपको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट. हेलो मैम. हाय मैम, मुझे ये पूछना है कि सिर्फ जब तक आज तक हमें जो भी न्यूज़ मिली है, जो भी अपडेट मिली है, उसके हिसाब से ये है कि कोविड जो है वो सिर्फ और सिर्फ एयर एक्सचेंज की वजह से फैल रहा है, बहुत स्प्रेड हो रहा है. क्या और कोई रीजन है इसका स्प्रेड होने का? स्लाइवा है, स्लाइवा से स्प्रेड हो रहा है. और बहुत सारे ऐसे लोग देखें, अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रॉपरली हैंड वॉश नहीं करते. अब हैंड वॉश करना एक मुझे बड़ी मज़े की चीज़ लगती है. कोई कहता है कि मैंने बार बार हाथ धोए तो आप ठीक हो जाएंगे, एंड द क्वेश्चन इज, अच्छा अगर आप हाल ही एक साबुन से अगर बैक्टीरिया मर जाता है या वायरस मर जाता है तो आप वो सोप खा क्यों नहीं लेते हैं, आपने स्टमक में क्यों डाल लेते हैं, मर क्यों नहीं जाता? ऐसा नहीं होता. मीन्स कि हमारे जो नेल्स हैं, जो हमारे नेल बड्स हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं स्पेसिफिकली सर्शकुलाई और इस तरह के कुछ बैक्टीरियाज हैं जो हमारे नेल्स से ट्रांसफर होते हैं. इट मीन्स द वायरस इज हैविंग अनदर मोड विच इज़ फ्रॉम नेल्स. ठीक है, जो हम लोग ऐसे नहीं होता कि हमने हाथ धो लिए और हमने खाना खा लिया फिर भी हमें कोविड हो गया, और नो, इट मीन्स कि वो आपके नेल्स में कहीं था. आपने वॉशरूम से निकले एक बार प्रॉपर हैंड वॉश नहीं किए, ठीक है, एंड यू आर नॉट द वन हु इज यूजिंग द वॉशरूम. मे बी देर आर अ फ्यू मोर पीपल हु आर यूजिंग द वॉशरूम एंड यू आर नॉट वॉशिंग योर हैंड प्रॉपरली. सो वो नेल्स के थ्रू ट्रांसफर होता है, स्लाइवा के थ्रू ट्रांसफर होता है, जो ड्रॉपलेट्स हैं उसके थ्रू, या कोई भी ऐसा पेशेंट जो आपके साथ क्लोज इन रिलेशन हो. फॉर एग्जाम्पल सेक्शुअली भी कुछ लोग इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि ये ट्रांसफर होता है. सो देर आर अ फ्यू मोर कंडीशन एज वेल, बट ये अछूत उस तरह से नहीं है कि आपने किसी को टच किया तो ये खराब हो गया. नो, स्किन डिजीज थोड़ा ही है जो किसी के हाथ लगाने से बीमार हो जाएगा. इट्स नॉट लाइक दैट. मैम मैं आप बात कर रहा हूँ. अच्छा मैम, बस ये दो लास्ट क्वेश्चन ले लें, इसके बाद हम एंड करते हैं. मैम आयशा वेट कर रही है. अस्सलाम वालेकुम. मेरा एक क्वेश्चन है कि हम मतलब अगर कोई डेड बॉडी है कोविड 19 की वजह से उनकी डेथ हो गई है तो वो कहते हैं कि डेड बॉडी घर पे नहीं लेके जा सकते. तो अभी आपने वायरस सलाइवा से स्प्रेड होता है या एयर से स्प्रेड होता है, तो वो डेड बॉडी से कैसे स्प्रेड हो जाता है? हम उसे रैप कर देते हैं और वो हॉस्पिटल में ही रहती है. जब कोई डेथ हो जाती है तो उसमें सब की सब चीज़ें उसमें डायलेशन हो जाती है. वेसल से लेकर मसल से लेकर एवरी ओपनिंग नाउ नोज माउथ ईयर्स. आपने देखा होगा जब किसी की डेथ हो जाती है तो हम जितने भी ओपनिंग्स हैं बॉडी के उनको हम क्लोज कर देते हैं, उसको हम जल्दी से शट कर देते हैं. जब आप किसी पेशेंट को शॉवर दे रहे हैं, किसी बॉडी को शॉवर दे रहे हैं, तो उसकी ये सारी चीज़ें ओपन हैं. आप उनको वुजू करवाते हैं, उनके मुंह से पानी बाहर निकलता है, आप उनके नोज़ से पानी ले जाते हैं, ईयर्स साफ करते हैं. तो जब आप उनके मुंह से पानी निकाल रहे हैं, उनके नोज़ से प्रॉपर वॉश कर रहे हैं, एक्चुअली यू आर रिमूविंग ऑल द स्टफ विच इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट देयर इन द माउथ एंड नोज़. सो उसके थ्रू एक्चुअली ट्रांसफर होता है. इसलिए हम अवॉइड करते हैं कि वेजो डायलेशन हो रही है, अगर ब्लीडिंग हो जाती है कहीं से या कोई भी सिक्रीशन हो जाती है तो उसकी वजह से दूसरे लोगों में फैलना जाए, स्पेसिफिकली वो लोग जो उनको गुस्ल देते हैं. इसलिए मैम अस्सलाम वालेकुम. मैम मैंने आपसे पूछना था कि जैसे कुछ लोग होते हैं उनको वायरस जो है वो उस तरीके से अफेक्ट नहीं करता, यानी कि ज्यादा स्प्रेड नहीं होता, और ये भी कहा जाता है कि उनको पता भी नहीं चलता कि उनको ये अफेक्ट किया और वो ठीक भी हो गए, और कुछ है जो उनको वो इतनी स्वेयर कंडीशन पर ले जाता है. ये मतलब कि इसके डिफरेंट टाइप्स हैं या ये एक ही है जो सबको डिफरेंट तरीके से अफेक्ट करता है? बेटा अभी तक जितने भी वायरसेस के जो जेनेटिक लेवल पर रिसर्चेस हुए हैं उसमें पहले तो यही कंसीडर किया जा रहा था कि ये डिपेंड करता है इम्यूनिटी पर, लेकिन फिर ये फेल हो गया क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया जैसी जगहों पर भी बहुत फैल रहा है जहाँ पे लोगों की इम्यूनिटी बिल्कुल ख़राब है, बहुत स्ट्रॉन्ग है सॉरी. और फिर दूसरा ये कंसिडर किया जा रहा था कि ये जेनेटिक्स पर डिपेंड करता है, जो लोग वाइट रेस के हैं उन पर ज़्यादा होता है, जो ब्लैक हैं उनमें कम होता है. ऐसा फिर भी गलत हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता. इट्स ऑनली डिपेंड अपॉन
द सिचुएशन. अगर मेरे अंदर लेट सपोज मैं ऑलरेडी मेरे जो टेम्परेचर है बॉडी का वो इम्बेलेंस होता है, कभी कभी मुझे बुखार हो जाता है, कभी मैं ठीक हो जाती हूँ, कभी मुझे कफ हो जाती है और फीवर हो जाता है, सुबह तक फीवर ठीक हो जाता है, ये नॉर्मल कंडीशन पाकिस्तान में चलती है. तो जब भी हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो अप डाउन होता है, ये स्पेसिफिक वायरस COVID-19 उसकी वजह से उसकी डिवीजन इफेक्ट होती है. कभी अक्सर पेशेंट्स सॉरी रिसर्चेस ये कहती हैं कि अगर 24 आवर्स के दरमियान पेशेंट का जो टेम्परेचर है वो 2 to 3 टाइम्स फ्लक्चुएट करे तो जो वायरस है COVID-19 ये मोर रैपिडली डिवाइड करता है. अगर मेरी बॉडी के अंदर सिर्फ 100 इसके वायरसेस के रेप्लिकास हैं तो मैं कम इफेक्ट होंगी, लेकिन अगर 100 हैं तो ज़्यादा इफेक्ट होगा. सो दैट्स द वे, दैट्स द प्रॉब्लम जिसकी वजह से लोग जो है कुछ में ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, कुछ में कम हो रहा है, वो अपना ख्याल नहीं करते, उनका नहीं हो जाता. अस्सलाम वालेकुम मैम. चले आई थिंक हमें आगे प्रोसीड करना चाहिए. मैम आपको फिर हम डिस्टर्ब करेंगे अगर इनको और क्वेश्चंस हैं तो. पहले मैम आयशा का सेशन करवा लेते हैं, उसके बाद जब एंड होगा तो उसमें जो टाइम बचेगा उसमें हम आपको टाइम दे देंगे. आई एम सो सॉरी बेटा, आई विल सी यू लेटर. इट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. थैंक यू सो मच. They should take care or they should notice these things like ki patient ko carbs ki value theek ja rahi hai nahi ja rahi hai, fats ki ja rahi hai, because in the fever patient energy is already compromised. So usme you can, you know, some patient are on NG feed, they cannot take directly, so they can take in the form of, you know, in some supplements. There are a lot of lesser supplements, herbal supplements like RO you can give to the NG feed, like the water stools like that. So it's all about the immunity and COVID-19 and immunity agar insaan ki strong hogi to usse aap sirf ek corona virus nahi balki har ek bimari se ya har ek virus se bach sakte hain. Abhi jaise ke jaise agar immune system aur corona virus iske hum ek definition pe jaye to basically immune system is a is by supporting your body's own natural ability to defend itself against pathogen. You will not have only resistance to colds and flu but other infection diseases but that's come in your way. And pathogen are the bacteria or a virus, like we can give the example of it's a coronavirus organism that may cause any infection. So the things or you know from which you can get prevent or the precautions everyone know, or the you can say the 7 way to boost your immune system is like always follow the hygienic system, exercise, low stress, and increase intake of fruits and vegetables, and stay calm. It's okay. It's just a simple thing. Accident bhi to itne sare logon ke hote hain, to log gaadi aur motorcycle ya kuch bhi chalana chhod to nahi dete. So it's just like a disease, nothing else. Many people recovered from this, and the relation of COVID with the immunity is just like the other diseases. Jaise baaki sab आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो आपका कोई भी जो वायरस या बैक्टीरिया आपकी बॉडी में मैनिफेस्ट करेगा, पहली बात अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो वो कभी भी वो जो सिम्टम्स हैं वो ज़्यादा जाहिर होंगे ही नहीं, दैट विल रिकवर इटसेल्फ. तो यही है इसके बारे में. मज़ीद अगर हम सार्स कोविड और मर्स कोविड की तरफ जाएँ तो सार्स जो था वो चाइना में थ्रू कैमल्स की जो उसकी किसी ओरिजिन हिस्ट्री निकली है उससे है, और मर्स पे जाएँ तो डाइट फ्राम द कैट एसोसिएटेड लाइक फ्राम सऊदी अरेबिया का कर सकते हैं, मतलब उसमें जो रिसर्च में आया हुआ है. मज़ीद मैं क्वेश्चनिंग लेना चाहूँगी एंड वी विल यू नो अब उसी में ही अब जो भी क्वेश्चनिंग है आपकी रेस्ट ऑफ लेक्चर जो है वो उसमें हो जाएगा. आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं मैम के लिए. जी मैम. Assalamu alaikum, ma'am. I've got a question. There's this theory that, or this concept that supplementing with vitamin C actually boosts your immunity. So
आपके ओपिनियन में मतलब विटामिन मतलब बेसलाइन जो एक विटामिन सी के रिकमेंडेड डेली अलाउंस दैट्स अबाउट 90. सो वुड यू से वी शुड टेक मोर देन दैट टू फर्दर बूस्ट योर इम्यूनिटी और जस्ट टेकिंग द रिकमेंडेड डेली अलाउंस इज इनफ? बेसिकली WHO के मुताबिक है और जो बाकी रिसर्चेस के मुताबिक है. इट्स नॉट लाइक कि आपने 90 ही लेना है और ये नहीं है कि आप इससे कम लें. इट डिपेंड्स ऑन आपका मतलब इफ आई एम हैविंग अ वन पेशेंट और मुझे बता रहा है कि वो अपनी डाइट में ऑलरेडी विटामिन सी की बहुत सारी अमाउंट ले रहा है जबकि उसको जिंक भी लेना चाहिए, विटामिन ई भी लेना चाहिए, बाकी विटामिन भी लेने चाहिए ताकि उसका बाकी सारा सिस्टम बेहतर हो जाए. अभी एक ये मिसकनसेप्शन भी बना हुआ है कि पीपल ओनली हैव टू टेक द विटामिन सी और कोई भी विटामिन कोरोना वायरस को रिकवर नहीं कर सकते, जबकि अभी जितने भी पेशेंट रिकवर्ड हुए हैं दे ऑल आर टेकिंग जिंक, विटामिन सी, कैल्शियम, दे ऑल आर टेकिंग दीस थ्री सॉक्स विद देम. थैंक यू मैम. एक्सक्यूज मी मैम. यस. अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम मैम. ये जो क्लोरोक्वीन फॉस्फेट है ये COVID-19 के लिए रिकमेंड की जा रही है, तो ये तो क्या प्ले रोल है? ये जैसे आपको मैंने बताया ना एंटी इंफ्लेमेटरी है और इसके अलावा ये आपकी बॉडी में जितने भी जो इन्फेक्शन या वायरस है उसको सप्रेस कर देती है. मैम हेलो हेलो सलाम वालेकुम हेलो मैम, कैन यू हियर मी? यस यस आई कैन हियर यू. अच्छा मैम, मैंने पूछना था कि COVID-19 जो है हमारी इम्यूनिटी पे इफेक्ट करता है, ठीक है, तो मैम इसको हम बेहतर करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, किस तरह की डाइट ले सकते हैं कि जो हमारी इम्यूनिटी पे इफेक्ट करे? बीमारी आपकी इम्यूनिटी को अफेक्ट नहीं करती. अगर आपका पहले से इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा है तो मतलब उसमें वो पहले से ही फाइट कर देगी. नहीं, और जब बंदा बीमार हो तो उसका इम्यूनिटी सिस्टम मजीद अगर एनी हाउ अगर हम डाइट की बात करें तो हेलो हेलो यस मैम यस डाइट की बात करें तो जनरल जो डाइट दी जाती है इट इट डिपेंड्स ऑन लाइक इसमें सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. एक जो मतलब अभी इमर्जिंग उसको अगर बंदे को हो रहे हैं मतलब लाइक अभी एक रिसेंटली न्यू पेशेंट आया है उसको डायग्नोज हो गया है कि ही इज पॉजिटिव विद द कोविड और अभी उसको क्या डाइट लेनी चाहिए, तो इट्स लाइक वी एड द कैल्शियम, वी एड द विटामिन सी, वी एड द यू नो जिंक. And along with this, we advise the patient to, you know, avoid junk food and all the fats which come from the bad source. Like people usually take, we जब से quarantine चल रहा है तो लोगों ने ज़्यादातर जो young generation है उन्होंने bad से order करना शुरू कर दिया और ज़्यादा मतलब junk stuff खाना शुरू कर दिया, तो वो हम उनसे कहते हैं कि वो avoid करें ताकि आपका respiratory tract जो है वो साफ और अच्छा रह सके. और उसके अलावा फ्लूड्स लेने का कहते हैं, नीम गर्म पानी पीने का कहते हैं, आ जाते हैं चम्मच के साथ मुंह में डाल के अंदर कर देते हैं. यू हैव टू च्यू इट, उसको चबा कर खाना होता है ताकि वो आपकी जाके बॉडी को थोड़ा सा मतलब जो भी एनर्जी दे सके या इम्यूनिटी बूस्ट है और विटामिन या मिनरल जो भी प्रोवाइड कर सकती है वो दे सके. मैम आपकी आवाज कट गई थी, वो आपने क्या कहा, क्या चीज च्यू करके करनी है? कलवंजी. ओके मैम, वो आवाज थोड़ी सी वो भी थी. इट्स ओके इट्स ओके इट्स ऑलराइट. थैंक यू मैम. फर्स्ट में भी ब्लैक चीज देना. सॉरी सॉरी, मैंने कहा क्लोरोक्वीन में भी ब्लैक चीज ऐड देना. जी जी बिल्कुल, जितनी भी दी जा रही है इसमें कुछ ना कुछ अमाउंट उसकी जरूर ऐड है. अभी जैसे अभी जैसे सना मक्खी का आई हैव हर्ड के इस तरह का बहुत सारे पेशेंट्स भी थे जो ले रहे थे जो ऑलरेडी क्रोनिक डिजीज से गुजर रहे थे, तो मतलब बगैर प्रिस्क्रिप्शन के जो लोग यूज कर रहे हैं तो उससे भी काफी काम खराब हो रहा है. अब जैसे कलवंजी है इसकी भी एक अमाउंट है, अगर आप बाकी मेडिसिन मेडिकल की ले रहे हैं तो आप कलवंजी दिन में कितनी लेनी चाहिए आपको, कुछ लोग पूरे दिन ही मतलब पूरा पूरा डब्बा खत्म कर रहे हैं तो वो भी नुकसान है. मतलब There is always need to, you know, moderation का हमेशा जरूरत होती है. मैम एक कैंसर का पेशेंट था तो उसको उसकी ना कैंसर की लास्ट स्टेज थी,
लेकिन ये क्लोरोक्वीन फॉस्फेट तकरीबन उसने एक मंथ ली थी तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कैंसर से क्योर हो गया था। ओके दैट्स गुड। एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम, रिसेंटली मतलब ये सुनने में आया है कि कुछ लोगों से कि जो ठंडा पानी जब हम कंज्यूम करते हैं तो दैट एक्चुअली it actually has a negative impact on it has a negative impact on us or matlab ye help karta hai COVID-19 ya zyadatar generalized infections ke spread mein, so is there any truth to that? Is tarah ki studies abhi recently aa rahi hain lekin aise koi authentic studies nahi hain jaise ki UNICEF, WHO ya tarah kisi bhi abhi they always recommend to have a warm water agar aap usme mint ya kuch extra dalna chahe to you can add, लेकिन अभी तक मतलब उस तरह की ऑथेंटिक स्टडी नहीं आई कि जिसमें प्रूवन हो कि यस वी कैन रिकमेंड इन द जनरल पॉपुलेशन दैट यस यू कैन हैव अ यू नो अ कोल्ड वाटर, क्योंकि वार्म वाटर पे तो बहुत सारे मतलब आर्टिकल रिसर्च और एवरीथिंग इज अवेलेबल कि वार्म वाटर पिए आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम सेट रहेगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक सेट रहेगा एंड बाकी भी बेशुमार टॉक्सिन आपकी बॉडी से निकलेंगे, तो अभी ठंडे पानी पे उस तरीके से रिसर्च नहीं आई है। थैंक यू मैम। Excuse me ma'am. Yes, I have a question. ma'am, vitamin C क्या अगर हम लोग supplements use कर रहे हैं तो ये तो vitamin C जो है वो water soluble है तो ये body से excrete out हो जाएगा, तो इसका हमारी body के ऊपर किस तरह effect आएगा, immunity को boosting कैसे करेगा ये अगर RDA से ज्यादा amount में हम ले रहे हैं consume कर रहे हैं? RDA से ज्यादा तो consumption के लिए कभी भी कोई भी advice नहीं करेगा, लेकिन it depend on the condition as well. और इस पर वाटर सोल्यूबल में ये होता है कि आप जब कॉम्बिनेशन किसी चीज़ का लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं जाकर ज़रूर बेहतर तरीके से आपकी बॉडी में वर्कआउट करता है, जैसे कि आप कोई भी आयरन है तो आयरन के साथ आप दूसरा कॉम्बिनेशन देते हैं ताकि आयरन आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाए, ऐसे ही इन चीज़ों का भी है कि जब आप एक अभी जैसे किसी भी पेशेंट को आप दे रहे हैं तो आप उसको एज आई टोल्ड अर्लियर कि आप सिर्फ ये नहीं उसको बोलेंगे कि आप सिर्फ विटामिन सी लो एंड यू विल बी रिकवर्ड। Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Ma'am, yes. Last days में recommend किया जा रहा था कि अगर आपको कोई mild fever वगैरह है तो आप लोग ब्रूफन tablets जो हैं वो ना लें, तो ऐसा क्यों है कि उसे कह रहे थे कि उससे आपके lungs में जो है virus जो है वो stick कर जाता है, तो उसमें ऐसा क्या है कि इस वजह से stick? Basically ब्रूफन नहीं, ये research है जिसमें है कि the safest tablet is painkiller या fever वगैरह के लिए सबसे ज़्यादा पैनाडोल या पैरासीटामोल है, क्योंकि इसका ये है कि आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको कम डिस्टर्ब करता है। अगर आपने एक दो दिन लेनी है डाइजेस्ट फाइन, लेकिन जब आपने एक प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए लेनी है तो उसके लिए ज़्यादातर ये रेकमेंड किया जाता है जो रिसर्च हैं कुछ साइंटिस्ट की कुछ डॉक्टर्स की कि पैनाडोल एंड पैरासीटामोल इज द बेस्ट वन फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ओके मैम, थैंक यू। Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, start में जब ये लोग हमें like ibuprofen से हमें मतलब कह रहे थे कि इसको avoid करें है ना, and बाद में मेरे ख्याल से कुछ कह रहे थे कि नहीं इसके लिए इसमें कोई truth नहीं है, लेकिन अभी भी कुछ लोग इसको believe कर रहे हैं, so आपका इसमें क्या मतलब आपका क्या opinion है इसमें? बेसिकली अभी तक कोविड पे WHO की भी यही रिसर्च है और अभी तक WHO भी इस पे ही काम कर रहा है इस वायरस पे कि विच मेडिसिन शुड बी गिवन एंड विच शुड नॉट बी गिवन। अभी तक मेरा जो है जितना भी हम लोगों ने देखा है इधर, इट्स लाइक के वी आर ओनली रिकमेंडिंग द पैनाडोल और पैरासीटामोल। अभी ब्रूफिन का मे बी पीपल डू बिलीव ऑन डैट एज वेल, लेकिन एज आई टोल्ड कि लॉन्ग टर्म के लिए दैट्स नॉट अ सेफ ऑप्शन। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। अच्छा मैम, ये हमने स्टार्ट में मतलब सुना था, वीडियोस भी हमने देखी थी कि ये जो लोग नशा करते हैं लाइक चर्च से तो उनको कोरोना वायरस या COVID-13 उनको उन पे इफेक्ट नहीं करता, ये सच है कि नहीं? ये तो टिकटॉक पे वीडियो आई थी, आपने वहां से तो नहीं देख ली? टिकटॉक पे नहीं मैम, ये फेसबुक या इसी तरह कुछ होती।
अच्छा, नहीं ऐसा ऐसा मैंने वीडियोस में देखा है, काफी फनी वीडियोस लगी हुई थी, लोग ये कह रहे थे कि ड्रग लेना शुरू कर देते हैं. ड्रग्स ऑलरेडी आपके लंग्स को, स्मोक जो है और बाकी चीजें जो है आपके लंग्स को ऑलरेडी अफेक्ट कर देते हैं. आपका जो लंग्स अफेक्ट है तो रिस्पायरेशन आपकी वैसे ही अफेक्ट है, तो वो कोरोना लगे ना लगे आपने वैसे भी आना पल्मोनोलॉजिस्ट के पास ही है. थैंक यू वेलकम. और मैम जो अस्थमा पेशेंट्स होते हैं वो, सॉरी अस्थमा जो पेशेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं कि जल्दी लग जाएगी. एस्थमेटिक पेशेंट्स बेसिकली अभी जैसे इस बीमारी में है कि आपका रेस्पिरेशन डिस्टर्ब होता है, जैसे मैंने बताया भी है कि कौन सा ग्रुप जो है वो ज्यादा उसमें यू नो उसमें आ रहा है कि ये डेंजरस ग्रुप है, मतलब ये इनको ज्यादा अटैक कर सकता है. तो जिन लोगों को भी रेस्पिरेटरी ट्रैक का कोई सीवियर मसला है तो उसके लिए कोविड ज्यादा यू नो सीवियर टाइप का हो सकता है. लेकिन ऐसा नहीं है कि जो एस्थमेटिक है उन्हें होना ही होना है, इट डिपेंड्स ऑन लाइक. ओके मैम, थैंक यू. एक्सक्यूज मी मैम, मैम ये जो कोरोना की एक सिम्टम्स में कफ है, तो आजकल वैसे भी फीवर बहुत हो रहा है, यानी कि एक पर्सन है उसको कोरोना नहीं है लेकिन फिर भी उसको कफ वगैरह हो रही है खाने में या काफी ज्यादा कफ है, तो उसकी क्या वजह हो सकती है? कोविड का पेशेंट नहीं है लेकिन फिर भी कफ है आजकल में, तो उसकी रीजन क्या हो सकती है? एक तो वेदर चेंजेस हैं और ऊपर से कुछ लोग एलर्जिक भी हो जाते हैं ड्यूरिंग सीजनल, जैसे कुछ लोगों को पोलन एलर्जी वगैरह होती है, या कुछ लोग जरा सा कोई मौसम बदलता है तो ड्राई कफ हो जाती है, या कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल से हो जाती है, या कोई भी चीज़ आपको यू नेवर नो कि कोई भी चीज़ आपको ट्रिगर कर सकती है. इवन आई ऑफन हैव अ कफ इन दीज डेज, लाइक जब भी कुछ मतलब यू नो व्हेन आई हैव अ स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ फ्रॉम द किचन और फ्रॉम एनी अदर स्टेप, यू नेवर नो कोई भी चीज़ सम टाइम आपको ट्रिगर कर सकती है जिससे आपको ड्राई कफ हो, या फिर मौसम एकदम चेंज हो जाए, या बहुत ज़्यादा ठंड लग जाए, बहुत गर्मी लग जाए, इट डिपेंड्स ऑन. मैम जी मैम लास्ट क्वेश्चन ले लें, इसके बाद हम एंड करेंगे, फर्दर आगे सेशन में प्रोसीड करेंगे. यस यस श्योर श्योर प्लीज. मैम जी जी मैम, जैसे कि हमारे यहाँ पर अब आजकल जो है वो एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि अगर इस तरह के वायरस है किसी को उसने अफेक्ट कर दिया, तो अगर हम लोग गर्म पानी स्टीम यूज करें या स्टीम लें या कहवा पिए, जैसे ये सना मक्की का कहवा बहुत ज्यादा आजकल लोग पी रहे हैं, तो क्या इसकी वाकई मतलब कि इसमें जो है इसका कोई फायदा हमें होता है, या फिर इससे वायरस को जो है वो कुछ होता है कि वो जी मतलब खत्म हो जाए, इस तरह कुछ होता है कोई कॉन्सेप्ट? बेसिकली स्टीम लेना इट्स लाइक आपका जो ईएनटी सिस्टम है ऑल एसोसिएटेड विद द यूर ट्रैक, तो ये जब आप स्टीम वगैरह लेते हैं तो ये आपके नेजल्स को थोड़ा सा खोलता है. जैसे ओलिव ऑयल के कुछ ड्रॉप्स आप कोविड के पेशेंट को हम एडवाइस करते हैं कि वो नोज में डालें ताकि वो थोड़ा सा रिलीफ फील करें जो ड्राइनेस है और जो ब्लॉकेज है. उसके अलावा ये जो स्टीम लेना, स्टीम इज गुड क्योंकि जो आपके गले में जो घुटन या वो हो रही होती है वो आपको थोड़ी देर के जैसे आप नेबुलाइज करते हैं उस तरह वो आपको थोड़ा सुकून देती है. और इसके अलावा जो कावा वगैरह का है वो उस पर मैंने अपने पेज पे भी लगाया है फेसबुक पे कि ये जैसे लोग जो मतलब पूरे दिन में पिए जा रहे हैं, तो इससे ये एक लग्जेक्टिव है जो कि नॉन प्रिस्क्राइब्ड लग्जेक्टिव है जो मतलब लोग नेचुरल हर्ब के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, तो इससे आपकी किडनी अफेक्ट हो सकती है, हार्ट अफेक्ट हो सकता है, आपके लंग्स अफेक्ट हो सकते हैं, मतलब ये आप कोई भी बगैर प्रिस्क्रिप्शन के या बगैर पूरे प्रॉपर वे के बगैर ये जाने कि आपको दिन में कितना लेना है और ये कैसे बना के लेना है, और मतलब हफ्ते में दो दफ़ा लेना है या एक दफ़ा लेना है, या फिर आपकी कंडीशन ऐसी है या आपको कोई ऐसी क्रॉनिक डिजीज है कि आपके लिए ठीक ही नहीं है, तो उस तरह मतलब इसीलिए तो लोगों की मतलब जैसे अब जैसे आते हैं पेशेंट्स और कुछ पेशेंट्स की डेथ भी हो जाती है, तो दे एट द एंड दे ब्लेम दैट द डॉक्टर डिड दिस और द हेल्थ केयर स्टाफ डिड दिस, मतलब खुद ही सारे टोटके सारे करके आ जाते हैं और फिर बाद में ब्लेम डॉक्टर्स को होता है. तो इट्स लाइक दिस, फायदा जरूर है, ऐसा नहीं है कि फायदा नहीं है, बट you should know the proper advice, you should know the proper consultation ki koi cheez aapko kaise leni hai. Chaliye mam last question le lein, uske baad hum fir mam mahi ki taraf chalte hain. Okay, question kisi ka hai to kindly jaldi puch le. Mam I have a question ki typhoid ke aaj kal typhoid bhi bahut in hai, to usme bhi cough ki symptoms hain kya, और कोविड में भी है, तो ये डिफरेंशिएट कैसे हो पाएगा और इसका ट्रीटमेंट क्या होगा?
बेसिकली दोनों के लिए डिफरेंट किस्म के टेस्ट हैं, और इसके अलावा ये है कि एक तो लोगों ने ना बहुत सर पे उठा लिए कि बस अब मुझे कफ हो गई है तो इट विल बी द कोरोना, और मुझे फ्लू हो गया तो बस मुझे कोरोना हो गया, या मुझे कल परसों छींक आई थी तो मुझे बस कोरोना हो गया. तो ये सारा अपनी मेंटली मतलब अपने आप को साइकोलॉजिकली, हमारे पास साइकोलॉजिस्ट यहाँ पे हैं तो दे विल ऑल्सो गाइड यू वेल. तो इसमें ये है कि आप थोड़ा मतलब जैसे अब किसी भी बीमारी के लिए अगर कोई कहे कि मुझे हेपेटाइटिस है एंड आई कैन नॉट डाइजेस्ट एनीथिंग, तो मेरा लीवर डैमेज है, मतलब लोग हर चीज़ को एसोसिएट कर देते हैं. तो इट डिपेंड्स ऑन, ये तो सिम्टम्स पे डिपेंड करता है कि दोनों के सेम सिम्टम्स होने के बावजूद भी जब टेस्ट होता है तो टेस्ट पे आपकी बात तो सामने आ जाती है क्या इशू था और क्या इशू था. मैम ये कोविड एंटीबॉडी टेस्ट किस नाम से है और इसकी वैल्यू रेंज क्या है? PCR के नाम से, पॉजिटिव और नेगेटिव होता है. और ये जो LL6 है इसके बारे में मैंने सुना था कुछ कि ये भी है शायद, तीन टेस्ट हैं तो उनमें से ये LL6 yes, भी there are 3-4 types of tests, इसकी मतलब पूरा एक नॉवल है इस पे. लेकिन अभी जो बेसिकली जो मेजर यूज हो रहा है दैट इज PCR, जो कि ज्यादा अवेलेबल भी है और यूज भी किया जा रहा है इवन अभी. यस मैम, इसका तो मुझे पता है PCR का, लेकिन वो LL6 के बारे में मैं पूछना था वो इसलिए. LL6 के बारे में अभी उस तरह की कोई स्टडी अवेलेबल नहीं है मेरे पास, वरना मैं आपसे जरूर शेयर करती हूं. ओके मैम, थैंक यू मैम. मैम वफाफेर जी, जी मैम ये मावरा और अरस्तु ने क्वेश्चन पूछना है, इनका लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं. चलें ठीक है, लास्ट, इट विल बी द लास्ट वन. जी मावरा पूछे. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी मुझे पूछा था, सम पेशेंट्स सेल्फ क्वारंटाइन पेशेंट्स कोरोना के, तो वो कहते हैं कि ओनली जो मटन है ना, ईटिंग मटन कैन क्योर देम, डेली मटन की यखनी या तो देसी मुर्गी, ये चीज़ उनको क्योर कर सकती है, तो इज इट सो? और सेकंड थिंग के अगर हम लोग गर्मी होती है मटन खाने से तो उसके अंदर हम वेजिटेबल्स ऐड कर दें तो उसकी तस्वीर ठंडी हो जाती है. अच्छा सही, पहले तो मुझे बताएं ये कहते कौन है? देयर आर सम पेशेंट्स इन द फैमिली, सो मैंने उनसे ही सुना है, तो मुझे इसके ऊपर है तो नहीं, लेकिन मेरे पेशेंट्स आते होते हैं, मैं उनसे पूछती होती हूं कि मुझे बताएं कि आपको ये कौन कहता है, मुझे उनका रेफरेंस लाके दे दें. Basically, there is no such studies कि सिर्फ proteins लेने से. Obviously, there is a keto diet जो कि आपकी obesity को खत्म करती है, लेकिन उस keto diet में कहीं भी mention नहीं है that if you are going to take it and you're covid, तो ये उसको भी खत्म करेगी. So people are always, you know, linking the things with one another. Yeah, they say that we are true. हम लोग सही कह रहे हैं और हम दूसरे भी ठीक कह रहे हैं. Be confident and enjoy the questions. You know, they are always asking you from such type of questions. आप उनसे पूछा करें, just give me the reference and tell me ये कौन कहते हैं. सही, thank you so much. Excuse me, ma'am. चलें ma'am, thank you so much, ma'am. End हो गया, ठीक है. Okay, thank you so much, everyone. Thank you, ma'am. Thank you. Excuse me, ma'am. Okay, Allah Hafiz. अब हमारा एक नेक्स्ट सेशन है, मैम महीन के साथ एंजाइटी डिप्रेशन पे देंगी. अस्सलाम वालेकुम. यस मैम, आवाज आ रही है सबको? यस मैम आ रही है. Alright, so my good name is Maheen Ahmed. सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा लूँ. आई एम ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और आज थोड़ी सी जो चीज के अंदर आप कोई भी डिग्री है या प्रोग्राम है आप उसके अंदर आना चाहते हो तो आप सबसे पहले चीज देखते हो जी आप
स्कोप क्या है, कि स्कोप क्या चीज़ है या स्कोप के जरिए से आप कैसे उस चीज़ के अंदर आ सकते हो। जो स्कोप होता है वो आपका तीन चीज़ों पे बेस कर रहा होता है, फर्स्ट नीड ऑफ सोसाइटी, के नीड ऑफ सोसाइटी क्या है उस चीज़ की, उसके अलावा दूसरी चीज़ है एडवांस, के आपकी जो टेक्निक है या टेक्नोलॉजी है या जो चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं अपनी क्लिनिक सेटअप के अंदर वो कितनी एडवांस है, और तीसरी चीज़ है इनकम ऑफ सोर्स, या जो आपको इनकम मिलेगी उसकी रिकॉर्ड वो कैसे होगी। काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जो कि ग्रेजुएट हो जाते हैं और ग्रेजुएट होने के बाद बोलते हैं कि सर हम लोग की जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो ठीक हैं, लेकिन हम लोगों को पता नहीं है कि अब इस फील्ड के आगे क्या होगा या आगे हम लोग क्या करेंगे, तो वो डिसपॉइंटेड हो जाते हैं। क्योंकि ज़िंदगी एक ऐसी चीज़ है बच्चों जिसके अंदर आपको हर तरफ से हर फेस को सामना करना पड़ता है। कभी बॉस आपको बातें सुनाता है, कभी आपका कोलीग आपके साथ मतलब बहस कर लेता है, या आप डिग्रेड होते जाते हो दिन ब दिन, और आप मतलब उनके साथ जज्बाती होकर उनको जवाब देते हो और अपनी जुबान भी गंदी करते हो और मतलब अब्यूज तक ये चीज़ चली जाती है। तो आप लोगों को एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि इस तरीके से कभी ज़िंदगी में आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते जब तक आपके अंदर सब्र नहीं है। आप लोग अपने अल्फाज को चुप करा दो, आप चुप रह जाओ, और अपनी जो स्किल्स हैं और आपकी जो पावर है जो आपने सीखा है आप उससे साबित करके बताओ कि जी मैं कुछ कर सकता हूं और मेरे अंदर कुछ चीज करने की हिम्मत है। उसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि सर हमारे पास सब कुछ है लेकिन हमारी जो सैलरी है या हम लोगों के पास जो पैसे आ रहे हैं वो बहुत कम है, हम उस तरीके से जिंदगी में मतलब आगे नहीं बढ़ सकते, अपनी ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर सकते, या हमारे पास जो पैसे हैं वो बहुत मतलब जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वहाँ पे हमें जो तनख्वाह मिल रही है वो बहुत कम है। तो आज आपको एक मैं सच बताना चाहूँगा, जितना इंसान की वैल्यू होती है वो उतना ही कमाता है। अगर आपके पास वैल्यू अच्छी है या आपके पास नॉलेज अच्छा है तो आपकी जो पे स्केल है या सैलरी है वो हमेशा अच्छी होगी। काफ़ी लोग हैं जिन लोगों को जॉब्स नहीं मिलती, वो लोग कहते हैं जी हमें जॉब नहीं मिल रही, वो एक जगह पर ही बिल्कुल स्टिफ हो जाते हैं या एक जगह पे खड़े रहते हैं। अक्सर आपने सोचा होगा कि जी हमारे मोहल्ले में या हमारी गली में या किसी के खानदान के अंदर कोई एक ऐसा बंदा होता है जो पहले बहुत अमीर होते हैं और आज के दिनों में देखा जाए तो वो बिल्कुल डाउन टू अर्थ हो गया है, बिल्कुल गरीब हो गया है। अब यहाँ पे वो बंदा है और यहाँ पे वो आ गया, तो इन दोनों के जो बीच में डिफरेंस आया ये कंफर्टेबल लेवल है। ठीक है, जैसे कि अगर आपको जॉब नहीं मिल रही तो आप अपना कंफर्टेबल लेवल छोड़ के आप बीच में बैठ जाते हो कि यार हमें तो बस जॉब नहीं मिल रही, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, हमें तो कुछ चीज़ ही नहीं करनी अब, मतलब हम लोगों के पास कुछ करने को है नहीं, आप इस फील्ड को छोड़ो किसी और चीज़ के अंदर इन्वेस्ट करो, कोई बिजनेस करो, तो वो इस तरीके से दूसरी तरफ चले जाते हैं। लेकिन वो अपना कंफर्टेबल लेवल से बाहर नहीं निकल पाते कि अगर एक इंसान पे बुरा वक्त आया है तो एक वक्त अच्छा भी आएगा, लेकिन वो अच्छा वक्त तब आएगा जब उसके पास एक नॉलेज होगा, एक डिफरेंट बुक्स पढ़ के या डिफरेंट लोगों से मिलकर डिफरेंट चीजें सीख के जब वो अपनी क्लिनिकल सेटअप के अंदर अपने हॉस्पिटल के अंदर वो चीजें अप्लाई करेगा तो उसके अंदर एक ऐसा नॉलेज लाके एक ऐसी चेंजेस लाके वो काफी कुछ चेंजेस कर सकते हैं। अब बात कर रहा था मैं इन चीज़ों के ऊपर, जो एक बंदा का कंफर्टेबल लेवल है वो काफ़ी ड्रॉप हुआ। अब ये होता किस तरीके से, अगर जाहिर सी बात है अगर आप अभी क्लिनिकल साइड पे आए हो या अगर आपके पास पैसा आना शुरू है तो आप क्या करते हो, पैसे जमा करके एक बाइक ले लिया, बाइक से आप लोग पैसे जमा कर करके गाड़ी ले ली, गाड़ी लेने के बाद आप क्या करते हो उस कंफर्टेबल लेवल को इंजॉय करते हो, घूमने निकल जाते हो, फ्रेंड्स को टाइम देते हो, फैमिली को टाइम देते हो, सब चीज़ें करते हो, सब कुछ छोड़ देते हो और ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ रहे होते। तो कल को क्या होता है, जो आपसे जूझे रहे या आपके मुकाबले में और लोग हैं वो आपसे आगे निकल जाते हैं। तो अपने कंफर्टेबल लेवल से बाहर निकलो और बाहर निकलने के बाद अपनी जो सेल्फ है इसको ऐसी कंडीशंस में डालो जहां पे आप लोगों को सीखने का मौका मिले, आप लोग जहां पे परेशान हो, आप लोगों को सब पे कुछ समझ ना आए कि मैं करना क्या चाहता हूं, मैं मतलब कुछ समझ ना आए, जहां पे आप लोग अनकंफर्टेबल जोन जिसे हम कह सकते हैं उस जोन के अंदर उतारो अपने आप को सीखने के लिए कि आप सीखो उन चीज़ों को, और सीखने के बाद जब आप लोगों के पास नॉलेज आ जाए या कुछ आ जाए तो आप उन चीज़ों को दूसरों तक पहुँचाओ और दूसरों को वो चीज़ें सिखाओ। बिना सीखे इंसान जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। अगर किसी के पाँव में कोई कांटा भी चुभ जाता है या कोई चोट भी आती है तो उसको अपना जख्म का दर्द खुद सहना होता है और खुद बर्दाश्त करके उस कांटे को भी निकालना है और उस जख्म को भी हील करना है। अब जो आपकी सैलरी के ऊपर मैंने बात की थी कि इंसान कहता है मुझे इतने पैसे नहीं मिल रहे जितना वो है कि अगर मैं 6 घंटे काम कर रहा हूँ तो मेरी जो सैलरी है वो 15,000 है या 20,000 है, तो आप लोग ये भी सोचे कि उसी डिपार्टमेंट के अंदर एक ऐसा बंदा भी है जिसकी सैलरी 6 घंटों की 2,00,000 रुपए है। तो ये सारी डिफरेंस आती हैं या जो भी चीज़ आती है ये आपकी नॉलेज की वजह से डिफरेंस आता है। अब कुछ लोगों को DPT जैसे डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी है वो करने के बाद के अमूमन स्टूडेंट्स को ये होता है कि सर हमें जॉब्स नहीं मिल रही, हमारी कोई वो नहीं है,
काउंसिल नहीं है या कोई चीज नहीं है, तो हम लोग क्या करें? अब वो डीबीटी कर चुके हैं, अब डीबीटी करने के बाद जॉब ढूंढ रहे हैं, रगड़ा मिल रहा है उनको हर तरफ से, कोई जहाँ पे जॉब मिलती है वो अनपेड मिलती है, लेकिन वो बस इसी चीज के ऊपर लगे रहते हैं कि जी हमारे पास जॉब नहीं है। क्या आप लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं एमफिल में एडमिशन लेके एक अच्छा एमफिल की बुक्स पढ़ के एक अच्छा सी जीपीए लेके कुछ आगे निकल सकता हूँ, कुछ मेरे अपनी डिग्री के अंदर कुछ पॉइंट्स ऐड कर सकता हूँ? तो ये सबसे बेहतरीन इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपनी जो नॉलेज है उसको इम्प्रूव करो, जो इनकम ऑफ सोर्स है वो आप तक खुद आएगी। अगर आपके पास स्किल्स अच्छी हैं, टेक्निक्स अच्छी हैं, तो आपके पास पैसा खुद दौड़ के आएगा, आपको पैसे के पीछे भागना नहीं पड़ेगा कि आप पैसों के पीछे भागो, आपको जॉब कोई रखे कोई रखे। आप इस काबिल बन जाओगे कल को आपको एक अच्छी पोस्ट मिल जाएगी और आप आने वाले जो जूनियर्स हैं उनको उस जॉब के ऊपर रख पाओगे। अपनी लाइफ को ऑलवेज टेक अ चैलेंजेस के अंदर रखो कि आप लोग हर रोज एक चैलेंज लो। डिफरेंट चीजें होती हैं जो इंसान सीखता है। अब जैसे क्लिनिकल के अंदर शोल्डर, फ्रोजन शोल्डर की मिसाल आप देता हूँ कि फ्रोजन शोल्डर के मिसाल से बहुत से पेशेंट्स आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं आपके पास, तो आप उनको डिफरेंट टेक्निक्स देखो, सीखो उन लोगों से जिन्होंने इनके ऊपर रिसर्च की हुई है, उनसे जाके मिलो, उनसे पूछो कि सर आपने फ्रोजन शोल्डर के ऊपर ये टेक्निक यूज की थी, कैसे यूज की थी, सर मैंने आपसे सीखना है, वो आपको सिखाएंगे। हम लोग क्या करते हैं, डिग्री की, डिग्री करने के बाद फॉरन जॉब्स के पीछे भागना शुरू कर देते हैं कि बेशक हमें कुछ आता हो या ना आता हो, एटलीस्ट हिस्ट्री टेकिंग का जो एडवांस तरीका है उसको ही आप सीख लो कि हिस्ट्री टेकिंग के लिए जो स्टेप्स यूज हो रहे हैं उनमें कोई वेरिएशंस आई हैं, तो उनको हम ऐड करके किसी पेशेंट से हम लोग जब कोई उसकी हिस्ट्री ले रहे हैं तो उनमें कोई पॉइंट्स हमने ऐड करने हैं या कोई चीज हमने मजीद देखनी है ताकि हम लोग उस चीज को ऐड कर सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने एक चीज आपसे डिस्कस करनी थी या पूछनी थी कि आप आजकल हमारे साथ जो है मोस्टली भी इसमें वेबिनार में भी हमारे पास जूनियर्स हमारे साथ हैं इसमें ना, तो हम लोगों की फील्ड में ऐसा है कि हमारे ही सीनियर्स हमें कह रहे होते हैं कि यार इसका स्कोप नहीं है, इसमें ना हो, ये है जॉब नहीं है, तो आप इस बारे में जूनियर्स को कैसे मोटिवेट करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि देखिए अपने सीनियर्स कह रहे होते हैं कि जाओ यहाँ से, जाओ जॉब नहीं है, ये नहीं है, तो फिर वो खुद क्यों आए इस फील्ड में? देखिए आप लोग जब इस फील्ड के अंदर आ रहे थे तो आप लोगों ने क्या चीज देखा था, मतलब आपके पेरेंट्स ने बोला था या आपको खुद मतलब इंटरेस्ट था इस फील्ड के अंदर या घर वालों ने जबरदस्ती डाल दिया? ठीक है, जब मैं इस फील्ड के अंदर आया था मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, मैंने कहा चलो यार यूनिवर्सिटी मिल रही है मैं यूनिवर्सिटी जाके यूनिवर्सिटी देखूंगा, और मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं था। यूनिवर्सिटी आया, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फाइव सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर गुजर गया, लेकिन मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं था इस फील्ड के अंदर। अभी तो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों को देख लो, वो तो कह रहे थे सर हमारा भी क्लिनिकल रोस्टर में ऐड, हम लोगों ने क्लिनिकल में आना है, हमने सीखना है, सीखना है। उस टाइम हम लोगों को बिल्कुल इंटरेस्ट था ही नहीं। एक दिन क्या हुआ कि मैं अपना जो सीनियर है हसीब साहब, जिनको डॉक्टर हसीब भुट्टा कहते हैं, आपने नाम सुना होगा, उनके साथ हम लोग गए हुए थे हाइकिंग पे, एक जगह है निलान बोथो, काफी अच्छी जगह है, वहां पे हम लोग जाना था। हम लोग वहां पे जब पहुंच गए तो शाम के टाइम मेरी टांगों में बिल्कुल एक सांस भी नहीं था और शदीद दर्द शुरू हो गया और मेडिसिन मेरे पास थी ही नहीं। तो मैं बैठा हुआ वहाँ पे, मैंने कहा हसीब साहब मेरे टांगों में बहुत शदीद दर्द है, तो मैं क्या करूँ, मुझे मतलब रोना आ रहा है, इतना शदीद दर्द है। तो उन्होंने कहा आप फिजियोथेरेपिस्ट और आपको पेन मैनेजमेंट नहीं आ रही या आपको दर्द को खत्म करना नहीं आता? मैंने कहा मैं अब क्या करूँ, क्योंकि मेरा तो इस फील्ड के अंदर इंटरेस्ट ही नहीं था। एटलीस्ट उन्होंने कहा आप लेटे, लेटने के बाद उन्होंने मेरे जिस टाइम काफ मसल स्ट्रेच किए, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच किए, कोर स्ट्रेच किए, तो मैं जिस टाइम खड़ा हुआ तो मैंने देखा मेरी टांगों में बिल्कुल सांस आ चुकी है और मैं पहले से ज्यादा फ्रेश हो गया। तो मुझे उस दिन एहसास हुआ कि यार मैं इस फील्ड के अंदर आया हूँ तो मतलब इसमें कुछ चीज है, मैजिशियंस है, जैसे मैजिक है एक तरीके से। आपको सर दर्द है, कमर का दर्द है, तो आप मतलब ऐसी टेक्निक्स यूज करके इस चीज को खत्म कर सकते हो। तो सिक्स सेमेस्टर के बाद मैंने ये चीजें सीखना शुरू की। जब मैं टेंथ सेमेस्टर में पहुंचा तो मैंने काफी सीनियर से मिलके या जो हमारे ग्रेजुएट हो चुके हैं बहुत ज्यादा पीएचडी स्कॉलर्स थे उनसे मिलके कुछ चीजें सीखता रहा, और सीखने के बाद जिस टाइम मैं ग्रेजुएट हुआ तो मैं हाउस जॉब के ऊपर गया। तो हाउस जॉब का इंटरव्यू जब हो रहा था तो हाउस जॉब वालों ने मुझसे पूछी मैनेजमेंट सीपी की, पूछी स्ट्रोक की, पूछी जो कि आम जगह पे पूछा जाता है। तो जब मैंने आंसर दिए तो उन्होंने मुझे कहा आपके पास नॉलेज है लेकिन हम आपको सैलरी नहीं देंगे, हम आपको फ्री रखेंगे। मैंने कहा ओके फाइन ठीक है। तो मैंने क्या किया, तीन दिन के अंदर अंदर उनको प्रूफ करके दिया कि मेरे पास स्किल्स हैं, मैंने कुछ सीखा हुआ है। तो उन्होंने तीन दिन के बाद मेरी सैलरी बहाल कर दी, मतलब रख लिया सैलरी के ऊपर। तो मैं आप लोगों से भी ये कहूंगा कि इंसान इस फील्ड के अंदर आ रहा है कुछ सीखने के लिए आ रहा है। आप लोग ये ना सोचो कि हमें इनकी रिगार्ड सिर्फ मनी है, पैसा ही मिलेगा, पैसा ही मिलेगा, ये चीज नहीं है। इसके अलावा बहुत सी चीजें हैं जो कि आपकी जिंदगी को बहुत आसान कर देती हैं। सबसे पहले कोई पेशेंट आपके पास आता है जब वो ठीक नहीं हो रहा होता, और जाहिर सी बात है एक स्ट्रोक का पेशेंट है, 3 साल पुराना उसकी हिस्ट्री है, उसको स्ट्रोक हुआ हुआ है, उसके कॉन्ट्रेक्चर्स ग्रेड 2 के अंदर बने हुए हैं, और जब आप उसको रिलीज करके आप उसको बिल्कुल ठीक करते हो तो आपको वो दुआएं देता है कि अल्लाह आपकी जिंदगी के काम आसान कर दे, आपको आसानियां पैदा हो हर चीज के अंदर। और बहुत सी जगहों पे पैसे के अलावा भी आपको काम आती हैं जो कि लोगों की दुआओं से आपको चीज मिली होती है, आपकी किस्मत वहां पे खुल जाती है और आपको बहुत सी चीजें मिल जाती है। फील्ड का स्कोप बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अगर आपको कुछ सीखना है इस फील्ड के अंदर तो आप लोग
बहुत कुछ सीख सकते हो आप लोग के पास डिफरेंट फील्ड्स के अदर ऑप्शंस आ जाते हैं, पीड्स आ जाता है, स्पोर्ट्स आ जाता है, ऑक्यूपेशनल ये ऑर्थोपेडिक मैनुअल थेरेपी और एमपीटी आ जाता है, तो डिफरेंट चीजें आ जाती हैं। आप लोग सीखो इन चीजों को, सीखने के बाद आप लोग खुद देखोगे कि आपके पास पैसा आ रहा है। अक्सर स्टूडेंट्स जितने भी होते हैं उनको सिर्फ पैसे की पड़ी होती है कि सर मेरी जो जॉब है वो जॉब लग चुकी है, 15,000 है, 10,000 है या 20,000 है, सर इससे ज्यादा मतलब 5 साल हमने इस नौकरी के लिए किया था। तो यार एक लर्निंग स्टेज होती है इंसान की जिंदगी में, इस लर्निंग स्टेज से इंसान बहुत कुछ सीखता है। और जो सीनियर्स आपको कहते हैं कि इस फील्ड के अंदर कुछ भी नहीं है, मैं कहता हूँ कि यार उनकी लाइफ के अंदर शायद कुछ नहीं है क्योंकि उन्होंने कुछ सीखा नहीं है, कुछ कमाया नहीं है, कुछ लोगों से हासिल नहीं किया। तो ये सारी चीजें इंसान सीखता है सिर्फ अपनी जिंदगी में, जो कि आपके टीचर्स हैं उनसे इंसान सीखता है, जो कि आपको एक अच्छी गाइडलाइन देंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है जब लोग हम फील्ड में आए, हम लोग आ गए, हम लोग तो पैसे जाया कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो उन्होंने यही कहा था कि आप लोग ये सोचो कि आप लोगों की औकात थी इस फील्ड के अंदर आने की। आप लोग तो MBBS का टेस्ट दे चुके थे, आप लोग वहां से फेल हो चुके थे, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं थी। कोई इस डिग्री में, इस लेवल की डिग्री में आपको कोई डॉक्टर का नाम अपने साथ लगाने की इजाजत दे रहे? तो हम लोग उस टाइम बिल्कुल चुप हो गए क्योंकि ये सच थी, रियलिटी थी कि हम लोगों ने MBBS के टेस्ट के लिए अप्लाई किया था और हम लोग फेल हो चुके थे, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं थी, या हम BS कर लेते या कुछ और कर लेते। अगर आप इस फील्ड के अंदर आ गए तो अल्लाह का शुक्र अदा करें और लोगों से चीजें सीखें। बहुत सी चीजें हैं जो हमें भी नहीं आती, बहुत सी चीजें हैं जो पाकिस्तान में फिजियोथेरेपिस्ट को नहीं आती, जो कि बाहर के लोग हैं जो आती हैं, जो टेक्निक्स आती हैं वो आके आपको सिखाते हैं। तो कुछ सीखने के लिए आपको कुछ पैसे पे करने पड़ते हैं। ये नहीं है कि अगर वर्कशॉप्स हो रही है इंटरनेशनल लेवल की तो कितने लोग हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल की वर्कशॉप्स के ऊपर जाते हैं, मैक्सिमम 3, 4, 5, 6, 10। तो ये मेरा था। और कोई क्वेश्चन किसी का इस बारे में? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? Yes, जी सर, आवाज आ रही है। सर आपने कहा था कॉन्फिडेंस के हवाले से बात की थी कि कॉन्फिडेंस जो है वो बंदे का होना चाहिए कोई काम करने के लिए या किसी, तो वो कॉन्फिडेंस किस तरह हम बंदा खुद इंसान में रेस करें? देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हम लोग कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलते ही नहीं है। कभी आपने सोचा है कि एक बच्चा जो झोपड़ियों में लोग फैमिलीज रहती है, ठीक है, उनके बच्चों को निमोनिया बहुत कॉमन हो, कभी सोचा है? या उनको मलेरिया होता है क्योंकि आपके उनके घर के पास ही तालाब होता है, तो मतलब ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे बीमारियां तो बेतहाशा हैं लेकिन उनको नहीं होती। और एक उस सिचुएशन में आ जाए जिस घर में हीटर लगा हुआ है, अच्छी रजाई है, अच्छा कमरा है, सब कुछ है, उस बंदे को मलेरिया हो जाता है जबकि उस कमरे में मच्छर आने का सवाल भी पैदा नहीं होता। कभी ऐसा आपने नहीं सुना होगा, मतलब कि देखा होगा कि हमेशा उसको हुआ है जो कंफर्टेबल जोन में रहता है। हम लोग अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलते ही नहीं है, हमेशा अपने अंदर में डर रखते हैं कि आज मैं सर बोर रहे हैं या टीचर हमारा बोर है, तो हम अगर आज हाथ खड़ा करके पूछ लेंगे सर मैं आई हैव अ क्वेश्चन, तो हम शायद मैं जो पूछूंगा तो मैं बेवकूफ लगूंगा। आप लोग अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलते ही नहीं है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल किस तरह आपको? अब मैं तो कहता हूँ जिस टाइम ग्रेजुएट हुआ फर्स्ट सेमेस्टर में थर्ड सेमेस्टर की एनाटॉमी की क्लास थी और मैं डाइस पे खड़ा तो मेरी टांगे कांप रही थी कि यार मेरे अंदर तो कॉन्फिडेंस लेवल ही नहीं है। तो कॉन्फिडेंस लेवल आता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर से कि आप जब कम्युनिकेट करते हैं। अक्सर दोस्तों की गैदरिंग होगी, आपने देखा होगा कि दो दोस्त कम्युनिकेट करें पॉलिटिक्स के ऊपर और आप लोग साइड में बैठे, आप लोग कहते हैं यार पागल हैं यार लगे हुए, या कोई स्पोर्ट्स के ऊपर कर रहे हैं आप लोग पागल है छोड़ो यार हमें तो खराब कर रहे हो और बताओ। अब वो जो दो पागल थे उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स थे वो हाई हुए बिकॉज वो एक दूसरे से बात कर रहे थे। हम लोग क्या करते हैं, बहुत कम बात करते हैं, जिनसे बात करते हैं तो मतलब जैसे हम लोग कहते हैं पंजाबी होते हैं जो जुकते मार दीजिए, जुकते मार के एक दो पॉइंट मार के हंस के बस चुप हो गए। इस तरह स्किल्स आपकी या कॉन्फिडेंटेबल जो जोन है वो इम्प्रूव नहीं होता। आप लोगों का कंफर्टेबल लेवल अप सिर्फ और सिर्फ उस वजह से होगा जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी नॉलेज के ऊपर आएगी कि आपकी जो नॉलेज है वो काफ़ी एडवांस है, आपको कुछ चीज़ें आती हैं, आपको पता है इस चीज़ का, आपको खुद पे यकीन है। अब आप किसी पेशेंट का लो बैक पेन के अंदर SLR करवा रहे हो और एक आके आपको बोलते हैं वो ये क्या कर रहा है, आप एकदम से डर जाते हो, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो एकदम ठप हो गया। अगली बार आप क्या करते हो, कराना पड़ता है, आप नहीं कराते, आपके तो यार वो फिर आके पूछ गए ये क्या कर रहे हो। तो आपके जो सीनियर्स हैं उनको भी चाहिए कि वो आके आप लोगों को गाइड करें प्रॉपरली कि ठीक है आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, एटलीस्ट आपको बताएं कि देखिए इसको अगर आप जो कर रहे हैं ठीक है लेकिन आप इस चीज़ को ज़्यादा फॉलो करें इससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हमेशा किसी बच्चे को इस तरह से डीमोटिवेट ना करें, या आपके साथ आपके क्लास फेलोज होते हैं, अक्सर क्लास फेलोज होते हैं कि जब टीचर बुलाता है किसी बच्चे को मॉडल के तौर पर, वो मॉडल आके बैठता है उसके ऊपर मैनुअली टेक्निक्स परफॉर्म करने होते हैं, जो आपकी क्लास का सबसे नालायक बच्चा होता है वो हमेशा पीछे खड़ा होता है।
वो आगे नहीं आता, और जो आपके सीनियर्स होते हैं या सी आर है या जो भी है वो हमेशा आगे रहते हैं और वो बच्चा पीछे से बस बैठा हुआ देख रहा होता है, तो उसका जो स्किल्स हैं, उसकी जो कम्युनिकेशन लेवल है वो ड्रॉप हो जाती है और उसका असर हम सब पे पड़ता है, हम सबकी कम्युनिटी के ऊपर पड़ता है। जब वो बच्चा ग्रेजुएट होकर मार्केट के अंदर आता है, उसने जाहिर सी बात है इनकम तो करनी है, सोर्स ऑफ इनकम के लिए उसने कुछ हाथ पांव तो मारने हैं, वो फिर क्या करता है, फील्ड को बदनाम करता है, उसको चीज का पता नहीं होता या कुछ चीज होती। तो इसलिए इंसान को कभी अपने अंदर वो नहीं करना चाहिए कि यार मुझे कुछ नहीं आता, इंसान सीखे, अपना कंफर्टेबल जोन से बाहर निकले और कुछ चीजें जो मतलब उसको आती हैं जो वो शेयर करना चाहता है तो उन चीजों को शेयर करें। और किसी का कोई क्वेश्चन? यस सर। सर मेरा, मैं अगर दोबारा क्वेश्चन पूछना है इसी कॉन्फिडेंस के ऊपर। ओके, कोई मसला नहीं सर। आपने कहा कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, फिर कॉन्फिडेंस रेज अप होता है। तो मेरे, मैं आप अगर अपनी बात करूं तो नॉलेज भी है और वो भी है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी बात करने का तरीका, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है अगर मैं अपनी बात करूं तो अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है तो फिर आप जब कम्युनिकेट कर रहे हो जाहिर सी बात है आपके अंदर ये पावर तो है कि आप एक लीडरशिप के तरीके से बात कर सकते हो। तो जब आपके पास ये चीज है तो आप एक दफा क्राउड को जमा करो, उसके साथ आप अपनी बातें शेयर करो, ठीक है, आपको लगेगा कि आप थोड़ा सा नर्वस हुए हो, दूसरी बार करो वो नर्वस आपको लगेगा कि इस बार मैं कम हुआ हूँ, तीसरी बात आप करोगे आपको लगेगा यार मैं तो बिल्कुल ईजी हूँ, बिल्कुल रिलैक्स हूँ। ये चीजें बार बार करने से आती हैं, इंसान सीखते हैं। मैं आपको ये चीज कह रहा हूँ, आप सीखो पहले, ठीक है। आप लोग सीखोगे कैसे, जब आप सामने आओगे, आप सामने आके लोगों को सिखा रहे हो, खुद भी सीख रहे हो। अब जाहिर सी बात है जो आपका टीचर होता है वो कोई इतना बड़ा दियो नहीं होता, उसको भी बहुत सी चीजें नहीं आती होती, वो भी सीख रहा होता है, लर्निंग स्टेज में होता है। इंसान मरने दम तक सीखता ही रहता है इस दुनिया में, हर चीज सीखता रहता है। इस तरीके से इंसान सीख सीख के अपना जो कंफर्टेबल जोन है उससे बाहर निकलता है और अपनी जो सोसाइटी है या अपने जो लोग हैं उनको बता सकता है कि यार मेरे अंदर स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन है, कॉन्फिडेंस लेवल है। तो ये सारी चीजें आपकी इम्प्रूव हो जाती है वक्त के साथ साथ। थैंक यू सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मैंने आपसे पूछना इस हवाले से था कि फॉर एग्जांपल जब हम स्टूडेंट्स होते हैं डीबीटी के प्रोग्राम में, सो थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर वगैरह, मैं इस वक्त खुद सिक्स सेमेस्टर में हूँ, तो मतलब ये बातें चल रही होती हैं कि मतलब हमें कहीं पे इंटर्नशिप करनी चाहिए, स्पेशली जब सेमेस्टर ब्रेक आता है, राइट? सो इस इंटर्नशिप के हवाले से हमें डिफरेंट ओपिनियंस मिलते हैं सीनियर से या टीचर से। कुछ कहते हैं जी बिल्कुल करें, आपको एक्सपोजर मिलेगा, या कुछ इस तरह भी कहते हैं कि मतलब ना करें, आप के मतलब इस वक्त बेसिक स्ट्रांग नहीं है और वहाँ पे आप जाएंगे, आप मतलब वहाँ पे तो सिर्फ वो उन्होंने 100 पेशेंट देखने होते हैं, वो 10 मिनट में जल्दी जल्दी से क्या कहते हैं इवेल्युएशन कर लेते, तो आपकी आप मतलब गलत आदतें सीख लेंगे, है ना? तो आपको क्या लगता है, क्योंकि इस वक्त अब हमारा बिल्कुल भी क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं हो, मैं खुद सिक्स सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ, हाँ मतलब तो आपको क्या लगता है, मतलब जूनियर्स को आप क्या एडवाइस देना चाहिए कि नहीं आपको करना चाहिए या फिर नहीं आप फिलहाल अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग या नॉलेज गेन करने में आप फोकस करो? ठीक है, असल में आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, आजकल जो हो रहा है डिफरेंट जो स्टूडेंट्स होते हैं फिफ्थ सेमेस्टर के बाद जब ब्रेक आता है 2 मंथ्स का, तो वो इंटर्नशिप के लिए डिफरेंट हॉस्पिटल के अंदर अप्लाई करते हैं कि हम लोगों ने इंटर्नशिप में कुछ जाके सीखना है। और जब वो वहाँ पे जाते हैं तो जो उनका बॉस होता है या जो भी वहाँ पे सीनियर होता है, तो उनको वो 2 चीज़ें सिखाता है, टेंस कैसे लगाना है, हॉट पैक कैसे लगाना है, टेंस कैसे उतारना है, हॉट पैक कैसे उतारना है। मैं सच कह रहा हूँ, ऐसा ही होता है। उनको कोई टेक्निक्स वगैरह डिटेल में अगर कोई बहुत ही अच्छा इंसान होगा वो ही सिखाएगा, लेकिन बेसिक्स में आपको 2 महीने में क्या पता चलता है जी, टेंस कैसे चलता है, हॉट पैक कैसे लगता है, हॉट पैक कैसे उतरता है, टेंस कैसे उतरता है, कौन सी पोजीशन है जहाँ पे टेंस लगेगा और कौन सी जगह हॉट पैक लगेगा, और 3-4 मसल्स के नाम आ जाते हैं उन 2 मंथ्स के अंदर। तो ये जो आपका इंटर्नशिप लेवल होता है या जो आप इंटर्नशिप लेवल करके आप खुश हो जाते हो कि जी हमें 2 महीने का सर्टिफिकेट मिल गया, वो सर्टिफिकेट भी किसी काम का नहीं होता जब आप ग्रेजुएट हो जाते हो। ड्यूरिंग डिग्री में आप लोगों को बताता हूँ कि इंसान इतना कुछ नहीं सीखता, जब वो ग्रेजुएट होता है और 1 साल की इंटर्नशिप जब वो करता है किसी अच्छे हॉस्पिटल में, वो सब कुछ उसके अंदर सीखता है। तो ये जो आपके पास टाइम पीरियड होता है, तो मैं इसके अंदर यही कहूँगा कि आप इन दौरान अपनी स्टडी के अंदर जाओ, आप लोग स्टडी के ऊपर आओ, आप लोग एनाटॉमी फर्स्ट सेमेस्टर की दोबारा रिवाइज करो, मसल्स का दोबारा पढ़ो कि आपको मसल्स का पता होना चाहिए जी, ठीक है इसका ओरिजिन सर्च हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन जब आप लोग 6 सेमेस्टर में पहुंच के और फर्स्ट सेमेस्टर में चले जाओ तो आप लोगों को नहीं पता होगा जी फलाना मसल्स और उसकी नर्व सप्लाई क्या होगी, आप लोग भूल जाते हो। जब ग्रेजुएट होते हो
मतलब आफ्टर ग्रेजुएशन तो आप लोगों की जो एनाटॉमी होती है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता करके इम्प्रूव हो जाती है, लेकिन इन दो महीने के अंदर अगर आप अपनी एनाटॉमी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, जितना एनाटॉमी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो वो आपके लिए बेस्ट है। और दूसरी बात यह है कि जब आप लोग इंटर्नशिप के लिए किसी हॉस्पिटल में जाते हो तो आपको एक टेक्नीशियन होता है, वो वहाँ वो भी आपको बेइज्जत कर सकता है, वहाँ वहाँ पे भी आपकी जो उसके पास भी अथॉरिटी होती है कि वो आपको बेइज्जत करके कि चलो पीछे हटो, क्या कर रहे हो यहाँ पे, दफा हो जाओ। ठीक है, यू आर क्वालिफाइड डॉक्टर्स। ठीक है, अगर आप लोग कर चाहते हो कि अगर कोई बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है या बहुत ही अच्छी सीनियर है आपका या जो भी है जो आपको सिखाना चाहते हैं तो उसके पास आप जरूर जाओ, आप सीखो, लेकिन बेस्ट ये कि अगर आप एनाटॉमी के ऊपर आ जाते हो कि अपनी एनाटॉमी को स्ट्रॉन्ग करते हो तो वो बहुत अच्छा तरीका है। ठीक है, कोई और क्वेश्चन? डॉक्टर अस्लामा जी, आई वुड लाइक टू एक्सटेंड योर स्टेटमेंट, कैन आई? ओके मैम, thank you so much for a few seconds. The last question raised by I think Hassan maybe. So Hassan, I would like to just add up a few things. When you are in third year or in sixth semester, you're almost done with half of the course, right? So now you are in the position that you can manage, at least you should be in a position that you should manage an emergency condition when you are at your home and your place, the hospital. So in my condition, in my hospital, in my students, there is a little advice. I'm used to tell them, okay, just go and do some work in emergency. At least you should know that if you have any emergency, what do you need to do? And don't be afraid that someone will be angry, someone will be angry, you are just garbage, you don't have anything, and nikal jaye, and don't expect even a single appreciation, और आप बिल्कुल expect ना करेंगे आपको वहाँ पर एक certificate भी मिलेगा, but make sure कि आप emergency करें, आप किसी government hospital में emergency करें। मेरे पास बताने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं और एक simple experience है, हमारे पास हमें हर साल एक महीने की छुट्टियाँ होती थी और रमज़ान होता था, and from second year, third year, fourth year, final year, in last 4 years I tried my level best to work in DHQ Ahmedabad. I was working there. और सिर्फ emergency में करती थी morning 8 से लेकर रात 8 बजे तक, और उसमें I learned almost everything they were doing there. So, और learning के लिए start मैंने किया था एक nurse से, then from the paramedics, and then from the MOs, and then to the surgeons. And फिर ऐसा हुआ then when I just came to the final year and I was doing my host job, then I came to know okay, yeah, ab main keh sakti hu ki theek hai, agar mujhe kisi multidisciplinary team ke sath kaam karna hai, mujhe ek hospital mein kaam karna hai, setup mein kaam karna hai, when they are discussing I should know, ab main is qabil hu ki mujhe pata chale ki wo baat kya kar rahe hain aur wo kis tarah se patient ko deal karenge aur main isme kya role play kar sakti hu as a rehab specialist. So if you are interested in your field, then you should know कि एक सेटअप में काम कैसे हो रहा है, और अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो गो टू द DHQs और हॉस्पिटल्स अराउंड यू किसी भी जगह एंड ट्राई टू लर्न ऑलमोस्ट एवरी थिंग दे आर डूइंग इन एमरजेंसी, यू कैन बी अमेजिंग, और आप एकदम से बाहर निकल के आ जाएंगे आपकी पूरी कम्युनिटी में से. सो इट वॉज जस्ट अ लिटल एडवाइस. बाकी जो डॉक्टर उसामा ने बताया, कम्प्लीटली एग्री विद हिम, इट्स रियली ट्रू, इट वॉज जस्ट अ लिटल एक पॉइंट था जो मैंने रेज कर लिया. सो इट्स अप टू यू, गुड लक सन. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. चले, आई थिंक मैं करना चाहिए. थैंक यू सो मच डॉक्टर उसामा, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत कुछ सीखने को मिला. और थैंक यू सो मच मैम डॉक्टर सना, मैम थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. थैंक यू सो मच मैम आयशा, और थैंक यू सो मच मैम माहीन. अनफॉर्चुनेटली आपका इंटरनेट कनेक्शन चला गया, तो इससे हम कंटिन्यू नहीं कर सके. अच्छा, अब मैं आप लोगों के लास्ट फ्यू मिनट्स लूँगा. इसमें मैंने बताना था, आप लोगों को थोड़ा सा गाइड ये करना था कि देखें, आप लोगों के कल एक क्विज है, मैं मेंशन किया हुआ था पोस्टर के ऊपर. ठीक है, क्विज है, क्विज की टाइमिंग मैं ग्रुप में मेंशन कर दूंगा. ठीक है, उस क्विज होगा, मतलब थोड़े टाइम का होगा. उसके बाद पोजीशन होल्डर्स जो भी होंगे उसमें उनको अनाउंस किया जाएगा, उनको अलग सर्टिफिकेट दिए जाएंगे अप्रिसिएशन के, आप लोगों को पार्टिसिपेशन के सर्टिफिकेट दिए जाएंगे. ठीक है, अपोजिशन होल्डर्स को भी सर्टिफिकेट दिए जाएंगे इसके अलावा, और वो आप लोगों को इसके बाद ही मिलेंगे. ठीक है, इसके अलावा ग्रुप में मैं आप लोगों को मैसेज करूंगा, एक लिस्ट हम बनाएंगे जिसके अंदर जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है इस वेबिनार के अंदर, उन लोगों को हम लोग सर्टिफिकेट्स देंगे. जो इस वेबिनार का पार्ट नहीं थे
जो बेशक ग्रुप में भी हैं लेकिन उनको ये सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो इंशाल्लाह बाकी जो है एंजाइटी एंड डिप्रेशन का, ये एक अलग टॉपिक है, काफ़ी डिटेल टॉपिक है, इसे हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीकेंड प्लान कर लेंगे, नेक्स्ट वीकेंड अरेंज कर लेते हैं, इसमें मैम माहिन कंटिन्यू कर लेंगी, इसके अलावा और भी साइकोलॉजिस्ट हैं उनको भी इन्वाइट कर लेंगे ताकि इसे हम लोगों को सीखने का मौका मिले, इससे हमें फ़ायदा हो। ठीक है, और अपने अपने काइंडली रिमार्क्स देते हैं ग्रुप के अंदर कैसा रहा, जाहिर सी बात है इंसान है गलती तो हो जाती है, तो उसमें आप लोग बता दें कितना हम लोगों ने लाइक किया, क्या था, क्या आपको नहीं समझ आया और कैसा लगा आपको। ठीक है, काइंडली अपने वो कर दें, थैंक यू सो मच, और अब हम मीटिंग एंड कर लेंगे। बाकी आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी इशू होता है तो आप लोग ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।